हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया प्रभु, कि हम आपकी उपस्थिति में आकर के आपको धन्यवाद दे सकें। आप ही सर्व सामर्थी, सर्व ज्ञानी, सर्व व्यापी खुदावन है प्रभु, आपकी महानता है खुदावन यीशु मसीह। आप खुदावन युगान युग के खुदावन है प्रभु यीशु मसीह, From everlasting to everlasting, Lord. ओ प्रभु यीशु मसीह, आप कितने प्यारे बाप हैं खुदावन, जो हमेशा आपकी निगाहें हमारे ऊपर रहती हैं प्रभु। कैसे भजन संहिता 46 में खुदावन जबूर को लिखने वाला कहता है, खुदावन हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, और इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, एक नदी है जिसकी नहरों से खुदावन के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। और खुदावन हम देख पा रहे थे पिछले दिनों में प्रभु, कैसे वो एक जीवन की नदी है खुदावन, जो सिंहासन से बहते हुए खुदावन उस पिरामिड को घेर लेती है प्रभु। ओ खुदावंद यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा जो कि आज आपने हमारे लिए मुहैया किया खुदावंद, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। और खुदावंद फर्दर कहता है, खुदावंद उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। ओ खुदावंद, आप उस चोटी पर हैं, आप उसके शिखर पे हैं खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। आपने अपने डरवैयों को ढांप रखा है खुदावंद, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होती लॉर्ड, आपके नाम मुबारक हो प्रभु। यही वो आयत थी खुदावन, जब नबी उस पहाड़ पे थे प्रभु और उस डेथ रोड पे चल रहे थे खुदावन, और बार बार उनके कानों में ये शब्द आ रहे थे, गॉड इज माय रेफ्यूज, अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन द टाइम ऑफ ट्रबल। ओ गॉड, आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आप हमें हमेशा अपने पंखों तले रखते हैं खुदावन, ना आप दिन में सोते ना रात में ऊँगते प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की तारीफ और स्तुति बढ़ाई हो लॉर्ड, आपका नाम का धन्यवाद हो खुदावन, आपने बड़े प्यारे रीति से हमें अपने पास बुलाया खुदावन, हम बड़े शुक्रगुजार हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदावन आपकी तमाम कारों के हम आज लाभार्थी हैं खुदावन, जो कार्य आपने हमारे जीवन में किया प्रभु यीशु मसीह, हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया प्रभु, हमारे गुनाहों का खुदावन जो हमने किया उसका लेखा जोखा नहीं लिया प्रभु, क्योंकि एक ही कुर्बानी के द्वारा आपने उनको जो मसीह यीशु में है सदा के लिए सिद्ध कर दिया लॉर्ड, आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, उस पाक लहू के लिए, उस पाक बर्रे के लिए खुदावन, जिसके द्वारा मैं आज शुद्ध हूँ खुदावन, आपके नाम की तारीफ हो स्तुति बढ़ाई हो खुदावन। मेरी प्रार्थना है तमाम भाई बहनों के लिए जबकि यहाँ पर हाजिर हुए हैं खुदावन, अपेक्षा सहित प्रभु की आपके वचन को सुनेंगे प्रभु, लेकिन उससे पहले आपका धन्यवाद करना चाहते हैं लॉर्ड, आपकी तारीफ करना चाहते हैं, अपने होठ के फल आपको देना चाहते हैं, अपने सब रीति से खुदावन धन मन और धन से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं लॉर्ड, आपके नाम को ऊंचा करना चाहते हैं प्रभु। प्रभु आप हमारे बीच में उच्च स्थान को प्राप्त करें। प्रार्थना करता हूं कुछ बीमारों के लिए प्रभु, सिस्टर शैलजा जेम्स के लिए प्रार्थना करता हूं, जबकि कल उनके आंखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, आप साथ जाएं प्रभु यीशु मसीह, फजल दें प्रभु के वो बहन संपूर्ण चंगाई को प्राप्त करें, हर एक कॉम्प्लिकेशन से आप बचाएं। भाई राहुल के लिए प्रार्थना करता हूं जो इंद्रपुरम से आते हैं प्रभु, जिनको फीवर है, संपूर्ण चंगाई दें प्रभु यीशु मसीह। भाई थॉमसन मैसी को खुदावन स्टमक इन्फेक्शन है, अजीज भाई को आप संपूर्ण चंगाई दें, और हमारे अजीज भाई बहन खुदावन जो किसी बीमारी के कारण नहीं आ पाए प्रभु, या किसी परेशानी में पाए जाते हैं प्रभु, आप उस परेशानी और उन कारणों को दूर करें प्रभु, फजल दें कि वो भी आपके भवन में रेस्टोर हो। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह। आने वाले दिन में प्रभु, जबकि हम कुछ भाई अपने अजीज पास्टर भाई के साथ आंध्रा मीटिंग्स में जाएंगे प्रभु, आप हमारी मदद करें, हमारे रास्तों को मुबारक करें। आज भी जब भाई अजय बेंजामिन भाई डोनाल्ड जाते हैं प्रभु, उनकी मदद करें प्रभु। आपका नाम मुबारक हो, आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं खुदावन उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु, जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, और जो बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप आएं और हमसे बातचीत करें, आप उनकी अपेक्षा हेतु उन्हें प्रदान करें।
आपका नाम जलाल पाए, आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हैं। अपने अजीज पास्टर भाई के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, ताकत बल दें प्रभु, अपने नाम और जलाल के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल करें प्रभु। गुजरे दिनों में आप हमें बाहर लेके गए प्रभु, उत्तराखंड प्रभु यीशु मसीह उन पहाड़ों पे प्रभु, जहाँ पर खुदाबंद हमने आपकी मौजूदगी को देखा प्रभु, आपके प्रेम को देखा प्रभु। आपका नाम मुबारक हो। आज सुबह अजीज भाई टाइटस के शरीर के माध्यम से हमसे बातचीत करें, आदर महिमा धन्यवाद आपको देता हूँ प्रभु, और आपके नाम को जय जयकार देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या अपने हाथ उठाकर खुदा का धन्यवाद कर सकते हैं? क्या ताली बजा के उसका स्वागत कर सकते हैं? आमीन, हालेलुया। उस कोरस को गाएंगे, ही इज हियर, हालेलुया, ही इज हियर, आमीन, ही इज हियर, हालेलुया, ही इज हियर। Today morning, amen, he's here to supply all your needs. Amen. Let's worship him, let's give him thanks and praises. My Jesus, my God, Jehovah is here, God is with his family. Amen, hallelujah, bless his holy name. Aap ek dusre ko greet kar sakte, praise the Lord keh sakte. Amen, hallelujah, khudaon ka naam mubarak ho. बाइबल लिखा है पवित्र चुम्बन से एक दूसरे का स्वागत करें। आमीन, प्रभु के नाम की तारीफ हो। ये वो चेहरे हैं जो कि हम अनंतता में देखेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ हो। क्या ही प्यारे पाप है हमारे, जो आपसे और मुझसे बेहद प्रेम करते हैं, आपकी सारी जरूरतों को वो पूरा करते हैं। क्या वो हमें जरूरी नहीं कि उनका नाम का धन्यवाद दें, उनकी तारीफ करें, उनके नाम को ऊंचा करें? आइए हम लोग सब मिलकर इस गीत को गाएंगे, गीत का नंबर 2, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें।
सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करते चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करते क्षमा, सारे रोगों को करते चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचा दे हमें। धन्यवाद दे उनके आसनों में, आनंद से आए उनके चरणों में। धन्यवाद दे उनके आसनों में, आनंद से आए उनके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाते हमें। ओ सारे सच है, हालेलुया, सारे रोगों को करते चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, जाते हमें। वो ही हमारे है परम पिता, तरस खाते हैं सर्व सदा। वो ही हमारे है परम पिता, तरस खाते हैं सर्व सदा। पूरब से सच है, सारे रोगों को करते चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाते हमें। माँ की तरह उन्होंने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। ओ खालिस दूध कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाते हमें। सारे सारे रोगों को करते चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाते हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा हमें, पापों की कीमत से निकाला।
हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। चरवाहे के माने उसने हमें ढूंढा, पापों की खींच से निकाला और हमको बचाने के लिए अपनी जान दी। आमेन। उसने वचन में कहा ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। आमेन। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए उसकी बरकतों को याद करते हुए गीत और गाएंगे। गीत का नंबर 99, जिंदगी मर तुम भर हो जब सख्त तूफान, और जब तुम हो बेदिल की है सब नुकसान, गिनो सारी बरकत, गिनो नाम बना। आमेन। जिंदगी में तुम पर जब हो सख्त तूफान, और जब तुम हो बेदिल की है सब नुकसान, गिनो सारी बरकत, गिनो नाम बना। और हैरान तुम होगे देखकर आपके काम, ओ बरकत, गिनो गिनो नाम बना, बरकत, गिनो देखो दा के काम, ओ बरकत, गिनो गिनो नाम बना। और हैरान तुम होकर देखकर आपके काम, फिकर का जब तुम पर होता बोझ मोही, और जब तुम नाम बना, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। खुदावन का नाम मुबारक हो। ये उसका बरकत है, ये उसका फजल है जो आप पर मुझ पर हुआ है कि आप और मैं आज इस जिंदों की जमीन पर पाए जाते हैं। खुदा का धन्यवाद करते हैं उस महान अगाध प्रेम के लिए, जबकि खुदावन स्वयं उतर के आए इस युग में। उसने आपको और मुझे इस युग में रखा जिसमें बहुत तेरे संत लोग रहना चाहते थे, बहुत सारे नबी रहना चाहते थे, लेकिन उनको रोक दिया गया। लेकिन आपको खुदावन ने चुना कि आपको इस स्थान पर रखे, जबकि ये पुस्तक खुल चुकी है। खुदावन ने आपको इस पीढ़ी में रखा है, आमेन, जो कि अब रैप्चर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। प्रभु का नाम मुबारक हो। बरकत किनो नाम बना, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। आमेन। अनाउंसमेंट है हमारे बीच में। आने वाले थर्सडे बाय पीटर मैसी की फास्टिंग टर्न की फास्टिंग प्रेयर की टर्न है, तो तमाम सदस्य जो कि इस ग्रुप में पाए जाते हैं, मीटिंग के तुरंत बाद भाई डोनाल्ड से और भाई जॉन डेविड से नीचे मॉर्निंग सर्विस के तुरंत बाद मुलाकात करें। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहूंगा भाई युवराज पाटिल आ गए हैं, ओके, मैं चाहूंगा आप लोग दो मिनट बैठ जाइए, और मैं इनवाइट करना चाहूंगा अजीज पास्टर भाई को सामने, और भाई युवराज
पटेल को कि वो अपने बच्चों को सामने लेके आए जिनका वो डेडिकेशन कराना चाहते हैं। अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद देते हैं इस बेटे दया के लिए जो भाई युवराज पाटिल लाए हैं। खुदावन यीशु मसीह, जब ये मुझे देते हैं मैं इसको आपको सौंपता हूँ। खुदावन, हर किस्म की दुष्ट की चाल इसके जीवन से विफल हो और ये आपकी आत्मा से अभी से भरा जाए, अपने लहू के नीचे सुरक्षित रखें और इसे भी आपके साथ रैप्चर में जाने का फजल दें। जो चाहें आप इसे बनाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस बेटे के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिसका नाम मोक्ष है। खुदा, मेरी विनती और प्रार्थना है कि ये बेटा जो भाई युवराज पाटिल लाते हैं आपके सामने और समर्पित करते हैं, हम इसको आपको सौंपते हैं, आपका लहू इस बच्चे पे भी लगाया जाए और खुदा हर दुष्ट की चाल से इसे बचाएं और अपने लिए भी एक खंभा बनाएं, माँ बाप के लिए, कलीसिया के लिए एक गर्व का कारण हो और ये भी एक बच्चा तैयार हो कि रैप्चर में जा सके। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आगे फर्दर अनाउंसमेंट्स के लिए मैं अपने अजीज पास्टर भाई को बुलाना चाहूंगा। सो खुदा का नाम मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। प्रभु ने चाहा तो मैं और मेरे साथ कुछ भाई लोग तेलंगाना वरन आंध्र प्रदेश सभाओं के लिए जाएंगे कल 15 मई से, और थोड़ा लंबा ट्रिप है और हम लोग 25 मई को लौट के आएंगे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो आगामी चर्च की सभाएं हैं उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। मंगलवार शाम 7:30 बजे जो यूथ की मीटिंग है 16 तारीख को, वो जैसी थी वैसी ही होगी और हमारे साथ ब्रदर टाइटस हैं, वो उसको लेंगे। थर्सडे फास्टिंग प्रेयर की मीटिंग ब्रदर पीटर मैसी की 18 मई की शाम 7 बजे जैसे होती रही वो भी वैसी की वैसी होगी। और संडे 21 मई को केवल सुबह की सभा होगी, शाम की सभा नहीं होगी। प्रभु भोज आने वाले रविवार नहीं होगा, इसको तो ध्यान रखें क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं होऊँगा, लेकिन वहाँ से जो मीटिंग प्रसारित होगी आप लोग घर जाके उस मीटिंग को सुन सकते हैं। ग्रुप नंबर 3 और 4 वो उस दिन चर्च में आएंगे जो कि आने वाला संडे है, क्योंकि कोई प्रभु भोज नहीं होगा तो वही ग्रुप नंबर 3 और 4 उसके अगले संडे जो कि 28 तारीख का है फिर से आएंगे। उसके बाद जो ग्रुप्स का रोटेशन है वह जैसा चल रहा था फिर वो वैसे का वैसा चलता रहेगा। सो मैं फिर से अनाउंस करता हूँ इस वाले पॉइंट को कि आने वाले संडे ग्रुप 3 और 4 हैं, उसके अगले संडे भी ग्रुप 3 और 4 ही आएंगे क्योंकि संडे प्रभु भोज नहीं हो पाएगा। आप लोग हैं मेरे साथ? फिर उसके बाद जो ग्रुप्स रोटेशन में चल रहे हैं आप वैसे ही चलते रहेंगे। ट्यूजडे की जो यूथ की मीटिंग 23 मई की है 7:30 बजे जैसी थी वैसी चलती रहेगी, ब्रदर टाइटस हैं वो उसको देखेंगे लेंगे। एफर्ट्स रखे जाएंगे कि जो तेलंगाना आंध्र की मीटिंग्स हैं आपके साथ लाइव स्ट्रीम हो कि आप उन्हें एक्टिवली सुन सकें। कृपया प्रार्थना करें, अधिकाई से प्रार्थना की ज़रूरत है कि खुदावन इन मीटिंग्स में सफलता बख्शें ताकि भाई लोग संदेश के विजन को कैच कर सकें, ताकि वो आखिरी रूह भी जल्द ही मसीह के राज में आ सके। सो गॉड रियली ब्लेस यू। एक अनाउंसमेंट और है, एक चेंज है थर्सडे की फास्टिंग प्रेयर की मीटिंग के शेड्यूल में जो कि 25 मई और 1 जून को होनी है। काइंडली नोट किया जाए कि जो थर्सडे की फास्टिंग प्रेयर की मीटिंग है 25 मई वाली जो मीटिंग है वो भाई राजीव चंद्रा का ग्रुप होस्ट करेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 25 मई वाला जो फास्टिंग प्रेयर का ग्रुप है वो भाई राजीव चंद्रा का होगा और जो 1 जून की थर्सडे की फास्टिंग प्रेयर की मीटिंग होगी वो भाई टाइटस का ग्रुप होस्ट करेगा।
तो आप समझ चुके हैं इस चीज़ को। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो मैं सोचता हूँ आप समझ चुके हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जान चुके हैं कि क्या होने वाला है कैसे। तो आप उसके लिए दुआ में रहें और अकॉर्डिंगली मीटिंग में आएँ। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये देखा गया पहले, ये लिखा नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, कि जब ये देखा जाए कि कुछ भाई लोग चले गए और वो तो मीटिंग ले रहे हैं बाहर, तो यहाँ आने वाले लोग मैंने देखा कुछ ढीले पड़ जाते हैं, और फिर ये जो मीटिंग्स होंगी पीछे उसमें आते नहीं हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगा, कृपया रेवलेशन प्राप्त लोग बैठें। रेवलेशन प्राप्त लोग ये जानते हैं जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहाँ हाजिर होता हूँ। तो जब मीटिंग्स आएँ तो अपनी प्रेजेंस के द्वारा अपनी सपोर्ट दिखाएं सभाओं में। एक चीज़ का ध्यान रखना, किसे सपोर्ट करोगे आप? अरे प्यारे भाई, मीटिंग आके आप खुदा पे एहसान नहीं कर रहे, उल्टा ये खुदा का एहसान है तुम पर। फिर मैं रिपीट करूंगा इस पॉइंट को, जब कभी कोई मीटिंग मिस हो तो ये मत कहना मैं आ नहीं पाया, ये कहना मुझे अनुग्रह नहीं मिला, आज वो रहम मुझ पे हुआ नहीं कि मैं चर्च जा पाऊं। खुदावन किसी को कहीं से भी इस्तेमाल करते हैं ताकि खुदा का कलाम बोला जाए। तो मैं आपको इंकरेज करूंगा कि जो मीटिंग्स होती हैं, इसमें खासतौर से दो ट्यूसडेज की मीटिंग है, एक संडे की मीटिंग है, मैं चाहूंगा कि चर्च के जितने भी लोग जितना आते थे पहले उतना ही आए। और मैं पूछूंगा भाई से जो पीछे रह जाते हैं, क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो इसे मैं अपना अपमान समझूंगा, आप मेरा अपमान कर रहे हैं मेरी बात को ना सुन के। ये मैं अनाउंस कर रहा हूं सबके लिए, क्योंकि ये प्रसारित भी होगा, सब लोग सुन रहे होंगे, ये मेरा अपमान है खुला, और आप मेरा नहीं, आप इनका अपमान करेंगे। फिर याद रखिए, फिर आपका भी सम्मान कहीं रुक ना जाए, आपका भी सम्मान कहीं रुक ना जाए, जहां सम्मान होना चाहिए आपको सम्मान ना मिल पाए। ऐसे कई मौके आते हैं सम्मान के, जबकि खुदावन कुछ फेवर करते हैं और उठाते हैं, उस फेवर को अगर आप चाहते हैं तो आप भी खुदावन के साथ चलें। नबी ने प्रचारा, उसको तुम्हारी चिंता है, क्या तुम्हें चिंता है? आई समझ में आपके? तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अधिकतम आके इन सभाओं को अपनी मौजूदगी द्वारा, पिछली मीटिंग में पता ना कई बार सफेद चादरें वैसी की वैसी पड़ी हैं, लोग नहीं पहुंचे, लोग घर में बैठे, हम तो वो वाली मीटिंग सुनेंगे। जो होम मीटिंग है चर्च की उतनी ही इंपॉर्टेंट है, और आप आए और उस पूरी मीटिंग को सुने, समझ में आ रही है आपके? उन मीटिंग्स को सुनने के लिए उनकी रिकॉर्डिंग भी होगी, आपको टाइम मिलेगा। हाँ, जो लाइव स्ट्रीम है, जब आप फ्री हैं तभी हमने संडे की एक मीटिंग रखी ताकि शाम वाली जो सभा है आप उसको वैसे के वैसे सुन सकें। सो एनी हाउ, गॉड रियली ब्लेस यू, प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। आइए हम लोग खड़े हों और हम उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, और हमारे लिए मौका होगा कि अब हम प्रभु के कलाम को सुनें। आमीन। ओनली Titus. My Jesus is here.
and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. Amen. प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. आप यहाँ पर उपस्थित हैं, सच है प्रभु जी. भाई ने फिर से वही बात कही, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते, आपने कहा है मैं वहाँ हाजिर हूँ प्रभु. सच है प्रभु जी, आप हमारे बीच में उपस्थित होते हैं प्रभु जी, और आप आते हैं प्रभु जी. ओ खुदा बाप, क्योंकि आप ओमनीसिएंट हैं प्रभु जी. आप ओमनीसिएंट होने के द्वारा हम ओमनी प्रेजेंट भी हैं प्रभु जी. आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. आप अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ. ओ आप हमें कभी नहीं भूलते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं प्रभु जी. आप हमें हाथ पकड़ कर कर आपने आज तक हमें संभाला है प्रभु जी, यहाँ तक लेकर के आए हैं प्रभु जी, और आगे के जीवन में भी प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी, थोड़ा बहुत समय जो रह गया है प्रभु जी, आप हमारी अगुवाई करेंगे प्रभु जी, और आप कर भी रहे हैं प्रभु जी. ओ खुदा बाप, हम आपके साथ इटर्निटी बिताने पाएँ प्रभु जी. मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. हम जब यहाँ पे खड़े हुए हैं प्रभु जी, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, आपके लहू के तहत आता हूँ प्रभु जी. ओ प्रभु जी, जैसे दाऊद कहता है जांच मुझे प्रभु जी, और यदि कोई गलती हो, कमी हो, घटी हो प्रभु जी, हमारे जीवन में से निकालें प्रभु जी, मेरे जीवन में से निकालें प्रभु जी. हम सबको प्रभु जी पवित्र करें प्रभु जी, हम सबको प्रभु जी वो सिद्धता की ओर बढ़ते जाने का पद, वो परफेक्ट फेथ की ओर हमें लेकर के चले, वो रैप्चरिंग फेथ की ओर हमें लेकर के चलें प्रभु जी, क्योंकि समय बहुत निकट है प्रभु जी. किसी समय भी आप प्रकट हो सकते हैं. ये समय ऐसा ही चलता नहीं रहेगा प्रभु जी, किसी समय भी आप आना है प्रभु. ये मीटिंग्स ऐसी चलती नहीं रहेंगी प्रभु जी. ओ खुदा, सच है प्रभु जी, इसलिए इन मीटिंग्स को हम आसान बात ना समझे प्रभु जी. हर मीटिंग में आप उपस्थित होते हैं, अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलते हैं प्रभु जी, हमसे बातचीत करते हैं. आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ. खासतौर से आपसे प्रार्थना करता हूँ पास्टर भाई के लिए प्रभु जी, भाइयों के लिए प्रभु जी. साउथ में जब जाने वाले हैं, आगामी दिनों में मीटिंग होने वाली है, ओ प्रभु जी भाई को आप माइटली इस्तेमाल करें. वो नेवर बिफोर प्रभु जी होने दे. वो आपका पवित्र आत्मा भाई के ऊपर उतरे प्रभु जी, बड़े बल से प्रभु जी भाई के ऊपर उतरे प्रभु जी. उस शरीर को आप फिर से एक बार और प्रभु जी वहाँ पे साउथ में इस्तेमाल करें. आज तक आपने इस्तेमाल किया, आगे भी आप इस्तेमाल करें. जो वहाँ की ज़रूरत है प्रभु जी, भाई के ज़रिए से आप वहाँ पर प्रकट करें प्रभु जी. हर एक जो वहाँ अटेंड करते हैं आशीष हो सके. हाँ, जितने भाई बहन यहाँ पर हैं प्रभु जी, सबको बड़ी बरकत दे, सबको बड़ी आशीष दे प्रभु जी. बहुत धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद साहब, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें. आमीन. जबकि हम लोग खड़े हुए हैं, आइए निकालेंगे बिल्कुल जाना माना स्क्रिप्चर. हाँ, ठीक है नहीं, यही स्क्रिप्चर मरकुस 11वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे. And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. And seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of fig was not yet. And Jesus answered and said unto him, No man eat fruit of thee hereafter forever. And his disciples heard it. And they came to Jerusalem, and Jesus went into the temple and began to cast out them that sold and brought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves, and would not suffer that any man should carry any vessel through the temple. And he tonight, and he taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations the house of prayer, but ye have made a den of thieves? And the scribes and chief priests heard it, and sought how they might destroy him, for they feared him, because all the people was astonished at his doctrine. And when even was come, he went out of the city. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, calling to remembrance, saith unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursed is withered away.
And Jesus answering said unto them, Have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he said. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. प्रभु अपने पढ़े गए और सुने गए वचन को बड़ी आशीष दें. प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए. प्रभु जी ये आज भी प्रभु जी जैसे आपके मुंह से निकले हुए वचन थे प्रभु जी, आज भी वैसे ही आज हैं प्रभु जी. आप चाहते हैं प्रभु जी कि आपका बच्चे प्रभु जी इस स्टेटस पे पहुंच सके, प्रभु जी इस स्टेज के ऊपर पहुंच सके प्रभु जी, कि मुंह से निकला हुआ वचन पूरा होने पाए प्रभु. वो आप यही चाहते हैं प्रभु जी, अब वो स्टेज आ गई है प्रभु जी कि जब आपके बच्चे प्रार्थना ना करें लेकिन बोलें और वो हो जाए प्रभु जी. आप ये चाहते हैं प्रभु जी, आप हमें इस विश्वास के ऊपर लेकर के आना चाहते हैं, आप हमें इस परफेक्ट फेथ के ऊपर आप हमें लाना चाहते हैं प्रभु जी. हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें प्रभु जी. आपका बहुत धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ. सुने और ग्रहण करें. हमें मेहरबानी से आप लोग बैठ सकते हैं. इसको हिंदी में एक बार पढ़ दीजिए जल्दी से. हाँ, ये जाना माना स्क्रिप्चर है. बार बार हम इन्हें पढ़ते हैं, लेकिन जितना बार स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स हमारे दिलों में घर बनाते हैं. वचन कभी बेअसर नहीं जाता. बार 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 पढ़ने से ही हमारे लहू के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर मिलता चला जाता है. और एक दिन होगा हम खड़े होकर बोलेंगे और वो हो जाएगा. हमें प्रभु ने यहाँ नहीं कहा प्रार्थना करो, जो कुछ भी तुम कहोगे वो हो जाएगा. हमें उस विश्वास के ऊपर आना है. वो कम धन्यवाद करते हैं. आगे पढ़ें भैया जल्दी से. दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी. वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए. हाँ। पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया. हाँ। क्योंकि फल का समय ना था. इमेजिन करके देखिए कि मसीह यीशु कितने खुश हो रहे होंगे. अंजीर का पेड़ खड़ा है, हंस रहे, हंसने मुस्कुराहट चेहरे पे आ गई होगी. भूख लगी है, चलो अंजीर का पेड़ है. हाँ? चलो, जैसे हम भी खुश हो जाते हैं हमारे मन की चीज पूरी होते हुए देखते हुए, यीशु मसीह भी खुश हुए होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे कि चलो अंजीर के पेड़ के पास चलिए. वो तो खुदा है, वो सब जानते हैं. पढ़े भैया आगे. पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था. हाँ, फल का समय नहीं था उस समय, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से मैं काटूंगा. और प्रभु कहता है बी रेडी इन सीजन आउट ऑफ सीजन. चाहे सीजन हो या ना हो मेरे भाइयों बहनों, हमें रेडी रहना चाहिए. पास्टर भाई कभी भी किसी का नाम लेके कह देंगे भैया आज आप मीटिंग लो, फिर क्या होगा. इन सीजन आउट ऑफ सीजन हमें रेडी रहना है. प्रभु कभी भी किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यहाँ पे अंजीर के सीजन नहीं था, अंजीर के पेड़ में फल नहीं लगे क्योंकि सीजन में ही लगते हैं, लेकिन विश्वासी ऐसा नहीं होता. वो 12 महीनों फलता है. उसका जीवन के अंदर से हर महीने फरक फरक फल निकल करके आते हैं. वो उस पेड़ के समान है जो 12 महीने फल देता है और हर महीने फरक फरक फल देते हैं. तो विश्वासी का जीवन ऐसा है. हाँ, आगे पढ़ें भैया. इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए. और उसके चेले सुन रहे थे. फिर वे यरूशलेम में आए और वो मंदिर में गया और वहाँ पर जो लेन देन सफाई कर रहे हैं. हाँ, पढ़े भैया. वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया. और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है. ये हमारे लिए भी है, इस मंदिर के लिए भी है और इस भवन के लिए भी है. हम खेल बार अलाउ करते हैं पास्टर भाई, यहाँ खाना खा लो क्योंकि और बिल्डिंग है नहीं. इसका मतलब ये नहीं है इसे हम भिंडी बाजार बना दें. कई बार कहना पड़ता है भाइयों बहनों को, भाई धीरे बात करो, धीरे बात करो. हाँ, ये डाकुओं की खो हम नहीं बना सकते. प्रभु का भवन है ये, इसकी सैंक्टिटी को हमें हमेशा बना के रखना है. चाहे कुछ भी हो जाए, रीजंस की वजह से अलाउ करते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए. इसको स्ट्रेच आउट नहीं करना चाहिए कि जो हमें करना है
हम करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रभु का भवन है, प्रभु यहाँ पर आते हैं, प्रभु की मौजूदगी, प्रभु की प्रेजेंस हर समय रहती है, चाहे मीटिंग हो चाहे ना हो। ये भवन एक बार डेडिकेट हो गया, एक बार उसके बच्चे यहाँ पर आ गए, प्रभु यहाँ पर उपस्थित है। हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर, हमारी हरकतें ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु हमें देख रहा है। कोई देखे ना देखे, पास्टर देख रहे हैं ना देख रहे, कोई और देख रहा है ना देख रहा, लेकिन प्रभु हमें देख रहा है। हमें उस तरीके से भवन के अंदर हमें बिहेव करना चाहिए। आगे पढ़ें भैया। ये सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। उस दिन चले गए, मंडे का दिन हो गया, शाम को नगर से बाहर चले गए। आगे फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, ट्यूजडे मॉर्निंग, आगे पढ़े भैया। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। हाँ, पतरस हमेशा चौकन्ना रहते हैं मेरे भाई। पतरस के आंखों से कुछ नहीं छुपता। प्रभु, आपने श्राप दिया था, हो सकता है पतरस रात में सोच रहे होंगे, प्रभु ने श्राप दिया है, अब हम कल सुबह देखेंगे क्या होता। हो सकता, मैं नहीं कह रहा, कहीं लिखा नहीं है, ना कुछ भी हो ना भी हो, लेकिन पतरस ने देख लिया, अरे अंजीर का पेड़ सूख गया। हाँ, और प्रभु से कहा, प्रभु देखिए अंजीर का पेड़ सूख गया, अब तब देखिए प्रभु क्या कहते हैं। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, खुदा पर विश्वास रखो। हाँ, खुदा पर विश्वास रखो मेरे भाइयों बहनों। हमारा विश्वास किसी इंसान पर नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास किसी डॉक्टर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी थियोलॉजी के ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी इंसान के ऊपर होना नहीं चाहिए। हमारा विश्वास केवल सिर्फ प्रभु के ऊपर होना चाहिए। कुछ भी असंभव नहीं है, केवल रख विश्वास। हमने कई इंस्टेंसेस देखे बाइबल के अंदर, प्रभु हमें, और गाना भी गाते हैं हर बार, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। केवल रख विश्वास, हर एक चीज संभव है मेरे भाई और बहनों। कोई कहेगा, क्या मेरा कैंसर दूर हो सकता है? यस, दूर हो सकता है। कोई कहेगा, क्या मैं एग्जाम में पास हो सकता हूँ? यस, पास हो सकते हो। कोई कहेगा, क्या मुझे पैसे की कमी है, क्या पैसा मिल सकता है? यस, मिल सकता है। कोई कहेगा, क्या मेरे बच्चों का उद्धार हो सकता है? यस, हो सकता है। यदि तू विश्वास करे, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। भाई ने एक मैसेज लिया था, दाय हाउस, जेलर के घर को, कि तू भी उद्धार पाएगा। हर चीज संभव है मेरे भाई और बहनों, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है, यदि हम विश्वास करें तो अवश्य हो जाएगा, किसी की कमी नहीं होगी। ये प्रभु का वचन है, मेरा वचन नहीं है, किसी का वचन नहीं है, वेरी वर्ड्स ऑफ गॉड इस बाइबल के अंदर, ये रेड अक्षरों के अंदर लिखा हुआ है। प्रभु अपने मुख से, प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, हैव फेथ इन गॉड। हमारा विश्वास कई बार भटक जाता है, हम कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर चले जाते हैं इंसान होने के नाते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, हमारा प्रभु सामर्थ्य है। यहाँ पर कितने बार दुआएं की गई, मुर्दे तक जी उठे, कैंसर पेशेंट ठीक हो गए, एक से एक बीमारी थी वो ठीक हो गए, कई लोगों का उद्धार हो गया, बैक सिडन हालत में कोई भाई और बहन थे वो वापस आ गए। प्रभु क्या कुछ क्या संभव करता नहीं है? हर चीज़ संभव मेरे भाई बहनों, हमने इन आँखों से देखा है। यहाँ तक कि सृष्टि के लिए भी जो बातें कही गई वो पूरी हो गई, क्योंकि हमारा खुदा कल आज युगानुयुग एक साथ। जब प्रभु ने समुद्र के ऊपर खड़े होकर के समुद्र को थामा, क्या हमारे युग में एक सेवकाई नहीं आई? क्या उन्होंने कोलोराडो में जो स्ट्रॉम आया था, क्या उसे नहीं थमाया? क्या हमारे युग में मुर्दे जीवित नहीं हुए? आज भी हो रहे हैं, आज भी वही हमारा खुदा है। जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रार्थनाओं का जवाब देता है। बड़े बड़े आश्चर्य काम जो हुए, मन की बातों का बताना उस समय हुआ, हमारे युग में हुआ, आज भी पुलपिट से बताई जाती है। क्या वो इंटरप्रिटेशन ईद पेंतेकोस्त के दिन हुआ, क्या आज नहीं होता? एक भाई दुआ कर रहे थे पिछले थर्सडे कि पास्टर भाई इंग्लिश में प्रचार करते हैं, लेकिन इससे पहले ट्रांसलेशन हो, मुझे हिंदी में समझ आ जाता है, जबकि मैं कुछ भी नहीं जानता, इंग्लिश जानता ही नहीं है। ये कौन है? ये प्रभु है, ये प्रभु यहाँ पर खड़ा होता है और प्रभु यहाँ से हमसे बातचीत करते हैं कि जो कुछ भी है, फेथ इन गॉड, प्रभु के ऊपर विश्वास रखें। ऐसे ही एक तो यीशु मसीह ने हल्के शब्दों में कह दिया, हैव फेथ इन गॉड, लेकिन इसका बहुत भारी मीनिंग है मेरे भाइयों। हाँ भाइयों और बहनों, विश्वास हमारा प्रभु के ऊपर होना चाहिए, हमारे खुदा हमारे साथ हैं।
हैव फेथ इन हिम। ये उतर करके आ गए, इनको विश्वास रखिए कि जब प्रभु हमारे बीच में आ चुके हैं अवश्य हमें यहाँ से ले करके जाएंगे। यदि 5,000 जा रहे हैं तो हम जाएंगे, 500 जा रहे हैं तो हम जाएंगे, 1 जा रहे हैं तो हम जाएंगे। हमें विश्वास स्तर के ऊपर लेकर के, मेरे भाइयों बहनों अब वो समय नहीं रह गया, अब डेली डेली का समय नहीं रह गया, अब विश्वास है कि मुंह के बोला हुआ वचन पूरा हो जाए। ये समय आ रहा है मेरे भाइयों बहनों, एक रिन्यूअल का समय आ रहा है। दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, दे विल रन एंड दे विल नॉट बी वेरी, दे विल वॉक एंड दे विल नॉट फेंट। वो दौड़ेंगे मूर्छित नहीं होंगे, और चलेंगे और मूर्छित नहीं होंगे, और दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। वॉक, एक वॉक करनी है, वॉक को याद रखिए। इनोक था, वॉक करता रहा, नहीं थका। 500 साल चला वो, देख लीजिए कितनी लंबी वॉक उसकी होगी। और हम थोड़ी सी वॉक करके करते 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 जरा से अड़चने आए बहक जाते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि भाई ने थर्सडे को मैसेज लिया था। अब वो समय आ गया अपनी स्ट्रेंथ को रिन्यू करने का, अब दुआ करने का, उपवास करना है, प्रभु से मांगना है हमारी स्ट्रेंथ रिन्यू हो जाए, हमारा विश्वास रिन्यू हो जाए, हमारा विश्वास बढ़ जाए। प्रभु जी हमें परफेक्ट फेथ की ओर आप लेकर के चले, अब ये समय आ गया हमें इसके ऊपर विश्वास करना है। हैव फेथ इन गॉड। हाँ आगे पढ़े भैया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हाँ, जो जो कहेगा इस पहाड़ से कहेगा, पहाड़ किसी भी स्टेज में हो सकता है, पहाड़ों का बादल मैंने कहा जैसे सेलिब्रेशन के रूप में हो सकता है, फैमिली का, पहाड़ों का पहाड़ पैसे के रूप में हो सकता है, बीमारी के रूप में हो सकता है, किसी के रूप में भी हो सकता है। हम यदि कहेंगे तो पहाड़ टल जाएगा। और विश्वास करें, विश्वास करें। जब जायरस की बेटी मर गई, लोग कह रहे हैं गुरुजी को तंग मत कर, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, ओनली बिलीव, हैव फेथ इन गॉड। विश्वास रखें खुदा के ऊपर, विश्वास रखें मैसेज के ऊपर, विश्वास रखें उस मिनिस्ट्री के लिए जो हमारे युग में आके चली गई, विश्वास रखें आज जो मिनिस्ट्री चल रही है हमारे बीच में उसके ऊपर विश्वास रखें। फेथ इन गॉड का मतलब यहाँ तक आता है, फेथ इन गॉड का मतलब सिर्फ वहीं तक नहीं रुक जाते हैं। आज को आप कहेंगे ये तो इंसान है, भैया खुदा इंसान से बात करता है, खुदा इंसान के जरिए से बातचीत करता है। हमने कई कोर्स भाई ब्रैनम के पढ़े हैं, खुदा इंडिविजुअल्स के थ्रू डील करता है, खुदा किसी गैजेट्स के थ्रू यूज़ नहीं करता, कि खुदा दीवारों को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन खुदा एक इंसान को इस्तेमाल करता। तो हैव फेथ इन दैट मैन। पौलुस कहता है मेरी प्रतीति करो, मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। हमें भी इस सेवकाई के पीछे पीछे चलना है, विश्वास करना है। फेथ इन गॉड का मतलब यहाँ तक आता है, तब जो कुछ भी हम कहेंगे, जो कुछ भी हम मांगेंगे और प्रतीति करेंगे कि हमारे लिए हो जाए, तो वो हमारे लिए हो जाएगा। लेकिन जरा भी अविश्वास है खुदा के वचन के लिए, खुदा के लोगों के लिए, खुदा की सेवकाई के लिए, खुदा के मिनिस्टर्स के ऊपर, शक आ गया और फिर नहीं होगा। अरे आज तो ये कह दिया, अरे आज तो ये कह दिया, कैसे संभव है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। खुदा की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं, खुदा की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आगे पढ़े भैया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, जो कुछ भी तुम प्रार्थना करो प्रतीति कर लो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमारे युग में एलिया की आत्मा भेजा। एलिया को कभी अविश्वास करने की आवश्यकता है ही नहीं। देखिए निकालें हम पहला राजा, उसका 17वां अध्याय पहली आयत पढ़ें भैया। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे एलिया देखिए खड़ा हुआ है, इतना कॉन्फिडेंस है, राजा के सामने कह रहा है जब तक मैं ना कहूँगा ना पानी बरसेगा ना ओस बरसेगी,
इतना विश्वास एलिया का है और वही एलिया का आत्मा आज हमारे युग में उतर करके आई और वही एलिया का संदेश आज हम मानते हैं, तो इस संदेश के अंदर भी वही पावर पाई जाती है। इसलिए तो खुदा को अच्छा लगा कि उन्होंने एलिया की आत्मा को 5 बार भेजने का प्रॉमिस किया। चौथा, हम जानते हैं पहले एलिया, उसका एलिशा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भाई ब्रैनम, और आगे एलिया और मूसा इज़राइल के बीच में आएंगे, क्योंकि ये फेथ है। हमें एलिया के फेथ पर जाना चाहिए, हमें एलिया का फेथ पकड़ना चाहिए। एलिया के मैसेजेस सिर्फ पढ़ लिए क्या फ़ायदा हुआ, जब तक कि हम जो विश्वास एलिया का था वो विश्वास हमारा ना हो जाए। वो कह रहा है मुझे यहोवा के जीवन की शपथ, जब तक मैं ना जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूँ उसके जीवन की शपथ, ना तो यहाँ पर ओस गिरेगी ना पानी गिरेगा जब तक मैं ना कह दूँ। और हम जानते हैं 3.5 साल तक वहाँ पर ना पानी गिरा, ना मैं बरसी, ना कुछ हुआ, हम सब जानते हैं। आगे चल के देखें कैसे एलिया को खुदा ने सस्टेन किया, कैसे वो आगे चल के सारफत की विधवा के पास जा रहा है और वो उसको भी ये कह रहा है। 14वीं आयत पढ़े भैया, 17वीं आयत की, क्योंकि इज़राइल का खुदा यहोवा यूं कहता है, फॉर दस सेड द लॉर्ड, यहोवा यूं फरमाता है, ये मेरा वचन नहीं है, ये यहोवा का वचन है, यहोवा यूं फरमाता है, क्योंकि यहोवा ने कह दिया है तू मेरा माउथ पीस है, जो तू कहेगा मैं पूरा करूंगा। यहोवा एलिया के पीछे, यहोवा एलिया की आत्मा के पीछे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हम उसी एलिया की आत्मा के संदेश को मानते हैं और उसी एलिया की आत्मा यहाँ आकर हमें मिनिस्टर कर रही है, डे एंड नाइट उसी एलिया की आत्मा हमें मिनिस्टर कर रही है और हमें कह रही है फेथ इन गॉड, जो कुछ भी तुम कहोगे विश्वास करो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो अवश्य हो जाएगा। यहाँ पे एलिया उस विधवा से कहता है, हम सब आगे समय बचाने के लिए मुँह से पढ़ नहीं रहा, विधवा ने कहता है बस मेरे पास थोड़ा सा आटा है, मेरा बेटा और मैं खाएंगे और थोड़ा सा तेल है और हम मर जाएंगे, मैं लकड़ी चुन रही हूँ वगैरह वगैरह। फिर 14वीं आयत में एलिया उससे क्या कहता है, क्योंकि इज़राइल का खुदा यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उसका कुप्पी का तेल घटेगा। हाँ, यहाँ खड़े होकर एलिया दुआ नहीं कर रहा, वो विधवा से नहीं कह चल मैं दुआ करता हूँ तेरे लिए, वो कह रहे हैं जब तक मैं न बरसेगी, जब तक पानी नहीं बरसेगी, तेरा कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा और तेरा बैरल का आटा खत्म नहीं होगा। ये खुदा का वचन है, वो जानता है खुदा उसके अंदर है, वो प्रार्थना करके नहीं मांग रहा, वो सीधा कह रहा है ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे पढ़े भैया क्या लिखा आगे, तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। बहुत दिन तक खाते रहे उसको, कि उसने विश्वास किया। यदि कहती भैया आप कौन हो, आप एक बूढ़े से हो, आपके हाथ की मांसपेशियां हिल रही हैं, आप झुक झुक के चल रहे हो, आप कौन होते हो, उसने विश्वास किया। उसने उस आदमी पर विश्वास किया, एक आदमी आया था उसके पास और आदमी ने कहा था और उसने उसके ऊपर विश्वास किया। तो आज जो आदमी यहाँ पर आता है और आपसे कुछ कहता है, आप उस पर विश्वास करिए, आप उस पर विश्वास करिए और समझिए कि ये 10 सेट द लॉर्ड है और जो कहा गया है वो 10 सेट द लॉर्ड है और वो पूरा अवश्य होगा। और आगे चल के देखिए क्या हुआ 18-16वीं आयत में भैया, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हाँ, ना तेल घटा ना उसका वो समाप्त हुआ। और हम सब जानते हैं 18वें अध्याय के अंदर शो डाउन है, वहाँ पे कैसे एलिया खड़ा हुआ है। वो जानता है जिसकी उपस्थिति में मैं रहता हूँ वो मुझे गिरने नहीं देगा। बाल के 450 पुजारी हैं, खड़े रहो तुम लोग, पहले तुम बलि कर लो, लेकिन खुदा तो वही है जो आग गिरा करके उसका जवाब देगा। मैं विश्वास करता हूँ मेरा खुदा है, क्योंकि मैं उसने मुझे भेजा है। मैंने उसने जब सेवकाई जो प्रॉफिट आता है खुदा सेवकाई देता है, खुदा ने सेवकाई दी है, जब खुदा ने सेवकाई दी है अवश्य खुदा उसको इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर हम जानते हैं उन लोग परेशान हो गए, दिन भर अपने देवता को पुकारते रहे, एलिया उनको उचकाता रहा, सो रहा होगा वगैरह वगैरह, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 18वीं आयत में 37 आयत से पढ़े भैया,
अब यहाँ पे एलिया वहाँ पे खड़ा होता है, आगे पढ़े भैया, विश्वास के साथ खड़ा होता है वो, आगे पढ़े भैया। हे यहोवा मेरी सुन, मेरी सुन कि लोग जान ले, हे यहोवा तू ही खुदा है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। हाँ, आगे पढ़े भैया। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गढ़े में का जल भी सुखा दिया। हाँ, सारा का सारा जल खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, यहोवा की आग वहाँ पर प्रकट हुई। ये एलिया चल रहा, हम जानते हैं आगे चल के एलीशा आया। हाँ, उसी आत्मा के अंदर एलीशा, एलीशा भी कई आश्चर्यकर्म लिखे हुए हैं भाई, भी हम सब जानते हैं। हाँ, क्या क्या एलीशा ने किया, मुर्दों को जिलाया वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, उस और यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को सिर्फ देख लें, एलीशा प्रार्थना नहीं कर रहा है। एलीशा ने कहीं भी प्रार्थना नहीं करी है, ज़्यादातर प्रार्थना नहीं करी है, एकाध जगह कहीं प्रार्थना करी है एलीशा ने, अदरवाइज वो कह देता था जाओ ये कर लो, जाओ ये कर लो, जाओ ये कर लो, और वो हो जाती थी। यहाँ देखिए चैप्टर 4 के अंदर यहाँ पर एक विधवा है, उसका पढ़े भैया पहली आयत से। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक ही हांडी में तेल को छोड़ तेल है और कुछ नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तेल है, उस डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे, लेकिन एक ही चीज है मेरे पास, ऑयल है। हर्ट नॉट द ऑयल एंड द वाइन, मेरे पास मेरा तेल है। क्या हमारे पास तेल है? यदि तेल है तो अवश्य बढ़ेगा, और यदि तेल ही नहीं है तो फिर बढ़ेगा नहीं। हाँ, तो तेल होना बहुत आवश्यक, इसलिए बार बार कहते हैं उपवास में, प्रार्थना करो कि प्रभु वो तेल दे दे, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे दे, वो पवित्र आत्मा दे दे हमें, वो एक्स्ट्रा ऑयल दे दीजिए जिसमें रैप्चरिंग फेज छुपा हुआ है, जिसके द्वारा एक्स्ट्रा ऑयल दे दीजिए जिसके द्वारा हम रैप्चर में जा सकें। इस स्त्री के पास तेल है, एलियाना का बस 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 तेरा काम हो गया, तेल है तो सब कुछ हो गया, खुदा मल्टीप्लाई करेगा। यदि हमारे पास पवित्र आत्मा है तो प्रभु रोज रोज और नया नया रिन्यू हमें करते चले जाएंगे। आगे पढ़े भैया। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। ये क्या दुआ कर रहा है, ये उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा, तू ऐसा ऐसा कर, हो जाएगा, क्योंकि वही एलिया की आत्मा इसके अंदर भी है। और मैं कहूँगा वही एलिया की आत्मा आज हमारे बीच में भी है, वही एलिया की आत्मा आज भी काम कर रही है मेरे भाइयों बहनों। और वचन प्रभु हमें उस स्टेज पे लाना चाहता है, हमें उस स्टेज के ऊपर लाना चाहता है, हमें सेकंड राइट के लिए तैयार करना चाहता है। भाई बहनों बार बार का फ्रॉम द बेस्ट व्हाइट हॉर्स राइडर विल कम एंड वी विल राइट दिस ट्रेल अगेन। इट्स ए प्रॉमिस। हम कैसे जाएंगे जब तक हमारा फेथ नहीं बढ़ेगा मेरे भाइयों बहनों, जब तक हम उस फेथ के ऊपर जो एलिया का फेथ है उस फेथ तक हम नहीं आ जाएंगे तो हम कैसे सेकंड राइट करेंगे। हा? फर्स्ट राइट तो एलिया ने करी, सेकंड राइट जिनके पास एलिया का विश्वास है, एलिया के समान विश्वास है, वही तो करेंगे। हाँ, हर कोई नहीं कर सकता। हाँ, वो विश्वास तभी यीशु मसीह कह रहे हैं फेथ इन गॉड, वो विश्वास हमें होना चाहिए, वो परफेक्ट फेथ हमारे अंदर आना चाहिए, वो रैप्चरिंग फेथ हमारे अंदर आना चाहिए। हाँ, पढ़े भैया आगे। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया, तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया, तब बर्तन भर गए, तब तेल भर गया। आगे उसने आके एलिया, हाँ बताइए, पढ़िए भैया। तब उसने जाकर खुदा के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे। और जो सारा का सारा एलिशा प्रार्थना करके, आओ बहन आओ बच्चों को लेकर के आओ, अब हम बैठते हैं प्रार्थना करते हैं, आपका जो कर्ज है कैसे चुकेगा,
प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु से प्रार्थना नहीं, क्योंकि प्रभु खुद उनके अंदर है। जो कुछ भी एलिशा कहेगा वो पूरा होगा, क्योंकि प्रभु ने कमीशन दिया है। प्रभु ने कमीशन दिया हुआ है। आज हम जो जाते हैं, प्रभु ने कमीशन दिया है। अपने कमीशन को हमें पहचानना है कि क्या यही सामर्थ, क्योंकि प्रभु अब चाह रहे हैं यही सामर्थ। अब वो दिन खत्म हो गया मेरे भाइयों बहनों, अब वो समय खत्म हो गया। अब हमें और ऊपर उठना है, अब हमें नीचे नहीं उठना। अब ऊपर उड़ने के दिन आ गए हैं मेरे भाइयों बहनों, अब फ्लाइंग के दिन आ गए हैं, अब उड़ के चलने वाले दिन आ गए हैं। यहाँ पे हम एक ही एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक है यहोशू का। पढ़ें भैया, उसको भी पढ़ लें, अच्छा है। बार बार पढ़ने से कोई वो होता है। यहोशू 10वां अध्याय 12वीं आयत से भैया। उस समय अर्थात जिस दिन, हम सब जानते हैं लड़ाई हो रही है, यहोशू और सेना जीत रहे हैं, आगे पढ़े भैया। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों को देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चांद तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चांद उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। अब यहोशू प्रार्थना नहीं कर रहे, खड़े होके प्रार्थना नहीं कर रहे कि प्रभु अब मैं क्या करूं। अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग तो यदि अंधेरा होने वाला है, अब अंधेरा हो जाएगा, ये लोग फिर से अपनी पाटी बांधेंगे और हमें फिर से इनसे लड़ना पड़ेगा। यहोशू पोस्ट ऑफ ड्यूटी के ऊपर है, उसे मालूम है क्या करना है। और उसने कह दिया, हे सूर्य थम जा, हे चांद तू थम जा। साइंस की ओर से हम देखें तो ये हंसी वाली बात हो जाती है, क्योंकि सूर्य तो मूव होता ही नहीं है, पृथ्वी मूव होती है, लेकिन वहाँ पर खुदा ने कुछ ऐसा किया कि 24 घंटे तक सूरज चांद पृथ्वी सारे के सारे खड़े रहे। और साइंस बताता है यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो धड़ से गिर जाएगी। वहाँ कुछ गिरना वरना नहीं हुआ। ये खुदा करने वाला है। खुदा कैसे करेगा, क्या करेगा, कैसे इन बातों को होगा, ये खुदा जाने। मैंने अपनी रिक्वेस्ट प्रभु को दे दी, प्रभु मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम प्रभु ये कैसे होगा। एक बार मैंने आपके वचन के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने ये करा है। मैं अपनी पोस्ट ऑफ ड्यूटी के ऊपर हूँ और मैं ये मांगता हूँ, मैं ये मांगती हूँ। और प्रभु जानेंगे, प्रभु कैसे करेंगे, ये प्रभु के हाथ में है। साइंस के खिलाफ, सारी लॉस के विरुद्ध में सूरज थम गया, चांद थम गई, पृथ्वी थम गई। और 24 घंटे भाई बहन हम बताते हैं दिन वहाँ पर उजाला रहा और यहोशू ने लड़ाई को जीत लिया। वहाँ पर हम आगे मैसेज में आएंगे, वहाँ पर तो चांद भी था, सूरज भी थी, पृथ्वी भी थी, और यहोशू ने कमांड किया चांद को, सूरज को, पृथ्वी को, वैसा हो गया। लेकिन हमारे युग में तो कहीं गिलहरियाँ थी ही नहीं, कहीं पे गिलहरियों का नाम निशान तो था ही नहीं, कुछ भी एग्जिस्टेंस में उस समय नहीं था। और भाई ब्रैंडम ने मांगा, मुझे गिलहरी यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। हम उन बातों को देखेंगे और वैसा हो गया। अब्राहम अपने बेटे को लेकर के जा रहा है पहाड़ के ऊपर, वहाँ पर बलि चढ़ाने के लिए लेकर के जा रहा है, कोई नहीं है, ऊंचा पहाड़ के ऊपर। भाई बहन हम कहते हैं वो कम से कम 75 मील और 100 मील तो जहाँ रहता था चढ़ा था, क्योंकि 3 दिन की यात्रा पे बाइबल कहती है निकल गया था। उसके बाद उसने वो स्थान देखा था, कितनी ऊंचाई पे वो पहाड़ पे चढ़ा होगा, जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, सब कुछ रहता है, वहाँ पे मेमना हो ही नहीं सकता। लेकिन यहोवा यिरे है, जहाँ कुछ भी नहीं होता हमारा यहोवा क्रिएट कर देता है। तो यहोवा क्रिएट करने वाला हमारा खुदा है। क्या उन्होंने मुंह के शब्दों के द्वारा क्रिएशन नहीं करा सारी पृथ्वी को, जिस खुदा ने बनाया, जिन्होंने चांद सूरज प्लैनेट्स को बनाया, सबको बनाया, पहाड़ों को बनाया, इंसानों को बनाया, सबको बनाया, क्या वो मेरे और आपके छोटी सी रिक्वेस्ट को नहीं बना सकते? क्या मेरे और आपकी छोटी सी प्रेयर को क्या वो पूरा नहीं कर सकते? बशर्ते उनके वचन के अनुसार हो, वो अवश्य करेंगे। हमें कहना तो है प्रभु से प्रार्थना नहीं करना। अब ये समय आ रहा है, मैं उस समय उस बात को लेकर के आ रहा हूँ कि हम बोलें और मुख से निकला हुआ वचन पूरा हो जाए। दूसरा और एग्जाम्पल है एजिकेल के अंदर, हम सब जानते हैं, इसे पढ़ें भैया, एजिकेल 37। लिविंग एग्जाम्पल दिए हैं बाइबल के अंदर, क्या मुर्दे जी सकते हैं?
अरे हमें और आपको तो रिजरेक्शन बोलना है मेरे भाइयों बहनों, हमारे भाई बहन कैसे जीवित होंगे, रिजरेक्शन तो यहीं से ब्राइट के जरिए ही बोला जाएगा। पढ़े भैया आगे 37 अध्याय पढ़े भैया। पहली यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। हम देखते हैं तराई जैसा इसराइलियों को दर्शाता, हम सब जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ उसने बोला और वैसा हो गया। हम वहाँ तक लिमिट कर रहे हैं, बाकी और आगे के मीनिंग्स की ओर हम नहीं जा रहे हैं। पढ़ें भैया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। सारे हड्डियों से भरी हुई है। स्पिरिचुअल मीनिंग लें, एक समय हम भी सूखे थे, हमारी भी हड्डियाँ ही थी, हड्डियों से भरे हुए थे। डिनोमिनेशन चर्चेस के अंदर ढेर सारी सूखियाँ हड्डी थी, कुछ खास हड्डियाँ थी जिनकी ओर खुदा की नज़र पड़ती है। वो तराई के अंदर कुछ खास हड्डियाँ थी, डिनोमिनेशन चर्चेस के अंदर कुछ खास हड्डियाँ थी जिन्हें खुदा ने बाद में जिलाया और यहाँ पर ला कर के इकट्ठा कर दिया। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कुछ खास हड्डियाँ हैं, कुछ खास हड्डियाँ यहाँ बैठी हुई हैं मेरे भाइयों बहनों, जिनके ऊपर खुदा ने मांस भरा और अपनी सांस भरी, जीवन का सांस भी भरा है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे पढ़ें भैया। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। हाँ बिल्कुल, जानने कुछ जानते नहीं थे। ABCD पास्टर ने पादरी ने कह दिया खड़ा हो जाओ तो खड़े हो गए बेवकूफ के समान, और जब पादरी ने कह दिया बैठ जाओ जमाए तो बैठ गए। कुछ जानते ही नहीं थे, ऐसे मरे हुए थे। ऐसे लूले थे ना, जो जिसको लकवा मार देता है उसका हाथ ऊपर उठाओ तो उठाएगा और जैसे छोड़ो तो गिर जाएगा हाथ। ऐसी हालत मेरे और आपकी थी, ऐसी सूखी हड्डियां हमारी थी। हाँ आगे पढ़े भैया। तब उसने मुझसे कहा, मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे खुदा यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हाँ यहोवा ने कहा, मैं नहीं कहता, तू कहे, तू भविष्यवाणी कर, मूसा मैं उतर आया हूँ, मैंने इसराइलियों की पुकार को सुनी है, लेकिन तू जा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। यहेज़कएल तू प्रोफेसी का, जब पवित्र आत्मा उससे बात कर रहा है, यहोवा खुदा उससे बात कर रहा है, तो यहोवा खुदा ये भी कह सकता, चलो मैं इनको जला देता हूँ, लेकिन नहीं, इससे जो सामर्थ, बोलने वाली ताकत, बोलने वाली शक्ति उसने अपने ब्राइड को दी है, अपने दुल्हन को दी है, अपने प्रॉफिट को दी है, और वो अपने प्रॉफिट को कह रहा है तू बोल। पढ़ो भैया आगे। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, खुदा यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हाँ यहोवा कह रहा है। आगे पढ़ो भैया। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। हाँ तुम जी जाओगी, आज खुदा ने हमें जीवित कर दिया और हम जानते हैं यहोवा हमारे बीच में आते हैं, हमारे बीच में होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जान आ गई है, हमारे अंदर सांस आ गई है। पहले हम मरे हुए थे, हम भी सोचते भैया ये तो क्लाउड है, पता नहीं कहाँ से ये बात कह रहे हैं, लेकिन आज हम जीवित हैं और हम जानते हैं कि ये यहोवा हमारे बीच में खड़े हुए हैं। पहले मरे हुए थे, नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने हमें जिलाया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे पढ़े भैया। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक शोर हुआ और भूंडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हाँ शोर हुआ, हालेलुया हुआ, प्रेज द लॉर्ड हुआ, खुदा की तारीफ हुई, खुदा का धन्यवाद हुआ, खुदा का बहुत धन्यवाद है, ओमनीपोटेंट गॉड रेनेस, आवाजें उठने लगी, हालेलुया, तारीफ की। जब वो पुस्तक खुली तब वो मेमने ने पुस्तक को अपने हाथ में ली और उसकी सातों मोहरों के खोल दी, वो सारा आसमान गूंज उठा तारीफ से, हालेलुया। जब हम मरे हुए थे, एक हमारे जीवन के अंदर एक दिन हालेलुया आया, एक दिन प्रेज द लॉर्ड आया, अब हम मरे हुए नहीं थे, हम डिनोमिनेशन में नहीं थे, अब हम चिल्लाते थे, हम उसकी तारीफ करते थे, उसकी स्तुति करते थे, उसकी महिमा करते थे, अब हमारे मुंह बंद नहीं रहेंगे क्योंकि हड्डियां जीवित हो गई हैं, हड्डियों के अंदर जान आ गई है। हम प्रभु का धन्यवाद करते। आगे पढ़े भैया आगे। और खड़कर यहाँ से आवाज़ आने लगी, जहाँ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड होने लगा,
अब आगे पढ़े भैया। मैं देखता रहा कि उनमें नशे उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गईं, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी करके कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, यहोवा खुदा यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात की हो में समा जा कि ये जी उठे। चारों कोई पवित्र आत्मा नहीं था हमारे पास, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा फूंक दिया। लो रिसीव ही द होली को, इनके अंदर पवित्र आत्मा समा जाए और ये जीवित हो जाए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दसवीं आयत पढ़े भैया। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हाँ, बहुत बड़ी सेना है आज। एंड टाइम बिलीवर छोटे ग्रुप में नहीं है, आज एक बहुत बड़ी सेना खड़ी हो गई। आप संसार के अंदर देखिए, ढेर सारे आजकल एंड टाइम बिलीवर आ खड़े हुए, एक बड़ी सेना खड़ी हो गई। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक समय था हम मरे हुए थे, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे युग में एक प्रॉफिट आया, उन्होंने कहा, है मेरे लोगों, उनमें से निकल करके चले आओ। ये आवाज़ें हमने सुनी, हमारी सूखी हड्डियों के अंदर ये आवाज़ गई और हम वहाँ से निकल करके आ गए। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सिर्फ बोलने वाली बात है, यहाँ पे सिर्फ प्रोफेसी करने वाली बात है, और प्रभु हमसे यही कहता है कि प्रोफेसी करें। योएल नबी की पुस्तक दूसरा अध्याय 28 आयत से पढ़ें भैया। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे। हाँ, तुम्हारे बेटे बेटियां, ये प्रभु का वायदा है, भविष्यवाणी करेंगे। और भविष्यवाणी क्या करेंगे? जो बोलेंगे वो हो जाएगा। ये प्रभु का वायदा है, इन दिनों के बाद मैं अपना आत्मा सब पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। आगे, और तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। आई विल पोर आउट माय स्पिरिट। प्रभु का ये वायदा है, आखिरी दिन के लिए रीफिलिंग का वायदा है, आखिरी दिन के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, आखिरी दिन के लिए प्रोफेसी की एक आत्मा है। ये उस पुस्तक को खा ले और तुझे भविष्यवाणी करनी पड़ेगी, तू प्रोफेसी करनी पड़ेगी। जिसने पुस्तक खाया वो बोलेगा और जो बोलेगा वो पूरा होगा। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु हमें उस डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं। हम एक कोट पढ़ता हूँ मैं, ओ ये परफेक्ट फेथ में से है ये, ओ वेयर शुड वी बी, हमें कहाँ होना चाहिए। दैट परफेक्ट फेथ, नो विजन, कोई विजन नहीं, कोई कुछ नहीं, जो मुंह से बोला वो हो जाएगा। जस्ट स्पीक द वर्ड, सेवल वचन को बोले और जो कुछ भी बोलेंगे वो हो जाएगा। नेवर, भाई बहनम कह रहे हैं, I never saw the squirrel. मैंने स्क्विरल नहीं देखी थी, मैंने स्क्विरल वहाँ पे थी नहीं उस समय। He just said the scripture, what it was, and said, speak it and don't doubt it. वहाँ पर अभी हम उसको डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, मैं ये कोट पढ़ने के बाद वहाँ पर जाएंगे। कैसे भाई ब्रैनम ने कहा, हाँ मैंने वचन को बोला और वो हो गया। एंड डोंट डाउट इट बट वॉट यू से इट विल बी देयर, यदि अविश्वास ना करें। वही तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ भी तुम कहोगे और विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पे स्क्विरल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, और मैंने बोला और स्क्विरल हो गई। दैट्स जस्ट एंड आई टुक गॉड एट हिज वर्ड एंड इट वॉज देयर, खुदा ने मुझे कहा और मैंने खुदा के वचन के ऊपर विश्वास किया कि जो खुदा कह रहा है पक्का है। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल के अंदर जो वचन लिखा है क्या वो पक्का नहीं है? क्या खुदा के मुख से निकला नहीं है? क्या खुदा के मुख से निकला वो वचन है? तो इसे पूरा होना अवश्य है, हमारे जीवनों के अंदर इसका पूरा होना अवश्य है। कमी और घटी है तो हमारे विश्वास के ऊपर है। भाई बहनों कह रहे हैं मैंने विश्वास किया, मैंने जब विश्वास किया तो वैसा हो गया।
दैट्स राइट, दैट्स जस्ट एज पावरफुल, बहुत पावरफुल है मेरे भाइयों, मेरा अटोमिक बम भी इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। खुदा का वचन इतना पावरफुल है, खुदा के प्रोमिसेस इतने पावरफुल, एक एक प्रोमिसेस को पकड़ के रख लीजिए, उनको जाने मत दीजिए। जैसे याकूब, जैसे याकूब जेकब उसको पकड़ लेता है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। पकड़ करके रखिए, खुदा के प्रोमिसेस को पकड़ करके रखिए, खुदा के प्रोमिसेस पक्के हैं, उनके अंदर एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा सामर्थ पाई जाती है एक एक प्रोमिसेस के अंदर। एंड आई टुक गॉड एट हिज वर्ड एंड इट वॉज देयर, दैट्स राइट, दैट जस्ट एज पावरफुल एंड फ्रेंड एज एंड फ्रेंड एज योर पास्टर, जस्ट एज पावरफुल एज इट वॉज व्हेन जोशुआ स्टॉप द सन, उसी समय जितना पावरफुल वो था जब जोशू ने सूरज को रुकाया था, उनका खुदा का वचन आज भी वैसा ही पावरफुल है, उतना पावरफुल जब उस समय था। हमारा खुदा नहीं बदलता, हमारा खुदा कल आज युगान युग एक सा है। उसने कहा आकाश पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा, वो खुदा कभी नहीं बदलता। जोशुआ स्टॉप बिकॉज द सन वॉज ऑलरेडी देयर, सन तो ऑलरेडी था, द एलिमेंट्स वॉज मूविंग एंड ही स्टॉप द मूवमेंट, और जोशुआ ने कहा और मूवमेंट उसका रुक गया। मैं पढ़ के बता रहा हूँ जो मैंने अभी पहले कहा था भाई बहनों, यहाँ बट दिस ही ब्रॉट समथिंग देयर दैट वाजंट देयर, उन्होंने वहाँ पे उस चीज को पैदा कर दिया जो नहीं थी। प्रभु का धन्यवाद करते, हमारा खुदा ऐसा पावरफुल है, मतलब ये मिनिस्ट्री बहुत पावरफुल हमारे बीच में गुजरी है मेरे भाइयों बहनों। आज हम इसी मिनिस्ट्री को मानते हैं, आज हम इसी मैसेज को मानने वाले हैं, तो हमारे पापा जैसे थे तो क्या हमें वैसे नहीं होना है? हम ब्रदर ब्रैनम के स्पिरिचुअल सीड हैं, जब ब्रदर ब्रैनम में ये सामर्थ थी तो स्पिरिचुअल सीड के अंदर, स्पिरिचुअल जीन के अंदर क्या ये सामर्थ नहीं होनी चाहिए? वही सामर्थ हमारे अंदर भी होनी चाहिए जो हमारे पापा के अंदर थी, वही सामर्थ हमारे अंदर होना चाहिए। यही तो वचन कह रहा है मेरे भाई, यही तो वचन हमें समझा रहा है मेरे भाई बहनों। ही ब्रॉट समथिंग देयर दैट वाजंट देयर, ही क्रिएटेड, खुदा ने क्रिएट किया, ही इज अ गॉड ऑफ क्रिएशन। यदि कुछ चीज नहीं भी होगी मेरे भाइयों बहनों, हमारे लिए क्रिएट करेंगे क्योंकि ही इज गॉड ऑफ क्रिएशन। आई एम सो ग्लैड टू बी अक्वेंटेड विद दैट गॉड दैट कैन टेक द डस्ट ऑफ द अर्थ समडे। भाई बहन हम कह रहे हैं मैं उस खुदा किस साथ को मैं जानता हूँ, मैं बहुत अपने आप को धन्य कहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ ऐसे खुदा को जानता हूँ, दैट ही विल टेक द डस्ट ऑफ द अर्थ समडे विदाउट एनीथिंग एंड कॉल इट मी बैक टू लाइफ अगेन After I have been planted in the grave, oh my, there it is. चाहे मैं मर जाऊं, वही तो यहोशू कह, वही तो जोब कह रहे हैं, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे कीड़े मेरे शरीर को खा लें, लेकिन इन्हीं आंखों से मैं अपने सीजर का सीजनहार का दीदार करूंगा। भाई मैंने कहा चाहे मैं मर जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन खुदा आएंगे मिट्टी को, एक मुट्ठी पर मिट्टी को उठाएंगे और उसे फूकेंगे और भाई ब्रैनम खड़े हो जाएंगे। उसी रीति से हर एक विश्वासी जो सोया हुआ है वो खड़ा हो जाएगा और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। भाइयों बहनों व्हाट ए ग्लोरियस टाइम आने वाला है मेरे भाइयों बहनों। खुदा का वचन है, खुदा का वचन है और उनका वचन कभी नहीं टल सकता। खुदा ने जो कह दिया तो कह दिया और वो होके पूरा रहेगा। वुडंट इट बी वंडरफुल टुनाइट इफ एवरीबडी कम इन दैट प्रेयर लाइन से आई एम ए क्रिश्चियन, आई हैव नो कंडमनेशन, आई नो दैट माई हार्ट कंडम मी नॉट, समथिंग टेल्स मी दैट टुनाइट द एंड ऑफ माई सफरिंग। आज कोई कहता भाई बहन उस मैसेज में कह रहे हैं कि ऐसा विश्वास आना चाहिए लोगों के अंदर कि कोई चीज़ मुझे कह रही है कि आज मेरी सफरिंग खत्म हो जाएगी। आज हम किसी भी सफरिंग से आए हो मेरे भाइयों बहनों, हम किसी भी परेशानी से आए हो मेरे भाइयों बहनों, वो खुदा का वचन कह रहा है सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारी परेशानी खत्म हो जाएगा। दैट यू बिलीव यू विल गो अवे हियर विद समथिंग। भाई बहन हम कह रहे हैं आज शाम को जब आप यहाँ से जाओगे, आप यहाँ से कुछ लेकर के जाओगे क्योंकि तो खुदा उतरेगा, खुदा बोलेगा, खुदा बातचीत करेगा और आप तब कहोगे भला हुआ हम खुदा के भवन गए, कहाँ खुदा ने हमसे बातचीत करी। हम प्रभु का धन्यवाद कर, नो मैटर हाउ मच यू कम इन इमोशन, हाउ मच यू डू, इट वॉन्ट वर्क अंटिल दैट परफेक्ट फेथ हैज मैनिफेस्टेड। परफेक्ट फेथ हमारे अंदर आना है, हैव फेथ इन गॉड, वो परफेक्ट फेथ खुदा के वचन के ऊपर हमारे अंदर जब तक मैनिफेस्ट नहीं होगा कुछ नहीं होगा। अंटिल परफेक्ट फेथ हैज मैनिफेस्टेड आइडेंटिफाइड इटसेल्फ इन यू एज ए सब्सटेंस एंड इट डज
देन नथिंग गोइंग टू शेक यू फ्रॉम इट। और जब वो विश्वास हमारे अंदर एक बार आ जाए, मेरे भाइयों बहनों, संसार की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती, चाहे नंगाई चाहे तन्हाई। पौलुस कहते हैं, क्या मुझे प्रभु के प्रेम से अलग कर सकती है? इवन मौत भी मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मैं अपनी जान देने के तक के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, पौलुस कहते हैं, मैं दो विचार के अंदर हूँ, क्या मैं प्रभु के साथ चला जाऊँ या तुम्हारे साथ रहूँ। वो उनके लिए दोनों मुनाफा है, जीना मेरे लिए मुनाफा, मरना मेरे लिए और बड़ा मुनाफा। हाँ, जीवित तो रहते हैं यहाँ, चलो ठीक है, मरने के बाद अपने प्रभु के पास रहेंगे और ज़्यादा मुनाफा है। चलो, ये कोर्ट में पढ़ा, अब इसके बाद हम थोड़ा सा मैसेज में से आते हैं। ये मैसेज भाई ब्रैनम ने प्रचार किया और इसका नाम है माय न्यू मिनिस्ट्री। भाई ब्रैनम ने प्रचार किया और नवंबर 15, 1959 के अंदर ये प्रभु ने क्या क्या उनके साथ किया इस मैसेज के अंदर वो लेकर के आ रहे हैं। कुछ खास बातें यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं। उनका इच्छा तो थी बाद में एक मैसेज भी प्रचार करें, लेकिन यही सारी बातें बताते बताते अंत में आके वो कहते हैं, अब तो टाइम हो गया। चलो हम देखते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग, आई हैव ए ग्रेटर एक्सपेक्टेशन दिस मॉर्निंग एंड मोस्ट एनी मीटिंग आई हैव एवर बीन ऑन येट, बिकॉज आई बिलीव दैट वी आर जस्ट एट द ईव ऑफ समथिंग फिक्सिंग टू हैपन। आज हमारे पास बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ हम आज आ रहे हैं। हम हमेशा जब इकट्ठे होते हैं, एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन होता है, प्रभु आज क्या करेंगे हमारे बीच में। तो हम बहुत आई लुक फॉरवर्ड टू इट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड आई बिलीव दैट वी आर राइट ऑन द वर्ज ऑफ इट नाउ। मैं बहुत समय से ग्रेट एक्सपेक्टेशन में था मैं, और मैं सोचता हूँ समय आ गया है कि प्रभु अब हमारे लिए वो करने वाले हैं। फॉर समथिंग दैट गॉड इज़ गोइंग टू हेल्प हिज चिल्ड्रन अ लिटिल फर्दर अप द रोड। प्रभु अपने बच्चों को सहायता करेगा कि हम विश्वास में और आगे बढ़ें लिटिल अप द रोड, की विश्वास में आगे बढ़ते हुए। एंड आवर ग्रेट होप इज़ दैट One of these days, the Spirit of God will send back Jesus Christ to the earth. Then it will be perfect. Then that will be the real standard. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु खुद उतर करके आ गए। एक दिन भाई बहन हम कह रहे हैं अपने यीशु में खुदा भेजेगा यीशु की आत्मा को एक बार और, लेकिन प्रभु हमारे युग में 28 फरवरी 1963 को ऑलरेडी उतर करके आ गए हैं। ये हमारे साथ हैं। अब हम अकेले नहीं हैं मेरे भाइयों बहनों, अब खुदा हमारे साथ साथ है, खुदा हमारे साथ साथ चल रहे हैं। जैसे इज़राइलियों के साथ साथ वो पिलर ऑफ फायर और क्लाउड चलते थे जब तक वो कनान देश में ना पहुँचे, रात को पिलर ऑफ फायर और दिन को क्लाउड उनकी अगुवाई करता था। आज जब तक हम रैप्चर में न जाएं, वही पिलर ऑफ फायर हमारी अगुवाई कर रहा है, वही क्लाउड हमारी अगुवाई कर रहे हैं जब तक हम रैप्चर में ना चला जाए, हमारे साथ साथ है रहे हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर भाई बहनम ने वो पढ़ा, अब उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्चर को जो हमने पढ़ा था वो उन्होंने पढ़ा, और भाई बहनम कह रहे हैं व्हाट ए ग्रेशियस प्रॉमिस, कितना महान खुदा का प्रॉमिस है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली द ट्रुथ। और खुदा ने कहा जो कुछ भी तुम कहोगे, जो कुछ भी तुम बोलोगे और विश्वास करोगे, प्रतीति करोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। भाई बहनम कह रहे हैं व्हाट ए ग्रेट प्रॉमिस इट इज़, कितना महान ये प्रॉमिस है ये, and it is absolutely the truth, और ये बिल्कुल सच्चा है। This stumped me, इसने मुझे stump कर दिया, हाँ भौचक्का मैं हो गया। अरे ये कैसी बात है कि जो कुछ तुम कहोगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आप कहो ना, खुदा आप कहो ना, आप कहो तो चलो हो जाएगा, लेकिन यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं जो कुछ तुम कहोगे। अब वो कह रहे हैं मैं नहीं कहने वाला, अब ये समय अब आ गया है मेरे भाइयों बहनों, अब खुदा कहेगा अब मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, अब तुमको तो अभी तक सियाने हो जाना था, अभी तक तुम ऐसे बच्चे पड़े हो कि कोई तुम्हें दूध ही पिलाता रहे, अब ठोस वचन खाना चाहिए, ठोस वचन खाने के बाद ऐसे बन जाना चाहिए कि अब तुम बोलो और तुम बोलो मैं सुनूं। अब खुदा ये कहना चाहता है मैंने बहुत बोल लिया, अब मैं सुनना चाहता हूँ अपने बच्चों की आवाज़, वो क्या चाहते हैं, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या ज़रूरत है,
हालांकि वो सब जानते हैं लेकिन वो सुनना चाहते हैं. वो कहते हैं स्टम्प मी और आई शुड यूज दैट एक्सप्रेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम. हाउ कुड दैट बी. भाई ब्रैनम हमेशा सोचा करते जब इस वचन को पढ़ते थे, प्रभु ये कैसे हो सकता है, प्रभु क्या मैं बोलूँ और वो पूरा हो जाए, ये कैसे हो सकता है. हमेशा हमेशा भाई ब्रैनम कहते हैं मैं हमेशा सोचता था ये कैसे हो सकता है. एंड देन द स्क्रिप्चर स्टम्प मी मोर बिकॉज इट वॉज आउटस्टैंडिंग सच ए प्रॉमिस बींग मेड बाई नन अदर देन जीसस क्राइस्ट. ये प्रॉमिस कोई और नहीं कर रहा, चेले नहीं कर रहे, कोई और नहीं कर रहा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यदि तुम कहोगे इस पहाड़ से उखड़ करके चला जाए तो हो जाएगा. और इसलिए तुम प्रार्थ इसलिए जो कुछ भी तुम कहोगे और विश्वास करोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा. ये मुझे बहुत परेशानी की हालत में डालता था कि भाई ये कैसे हो जाएगा. प्रॉमिस बींग मेड बाय नन अदर और ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं. एंड व्हेन ही सेड टू हिज डिसाइपल व्हाट थिंग्स एवर यू से यू कैन हैव इट इफ दाउ शैल से टू दिस माउंटेन. यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे बी प्लक्ड अप एंड रिमूव्ड इनटू द सी एंड विल नॉट डाउट इन योर हार्ट. यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ करके समुद्र में चला जा और डाउट नहीं करोगे बट शैल बिलीव दैट वॉट यू हैव सेड विल कम टू पास. लेकिन विश्वास करोगे जो तुमने कहा है वो हो जाएगा. यू कैन हैव वॉट यू सेड. तुम्हें मिल जाएगा जो कुछ तुमने कहा है. वॉट ए प्रोमिस. कभी हमने सोचा हमारा पिता कितना महान है. बेटा कई बार तो हम अपने बच्चों को कई चीज़ मांगते हैं दे नहीं पाते. कहते अरे नहीं अभी तो नहीं है, शायद हो सकता पैसे ना हो कुछ ना हो. लेकिन हमारा खुदा ऐसा नहीं है. जो कुछ भी मांगोगे वो देगा. वो कुछ ना कुछ करेंगे. हमारा खुदा सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं वो. वो करेंगे और हमें देंगे. यू कैन हैव वॉट यू सेड. ओ इफ यू कुड वे दीज वर्ड्स. हम इन वचन को तोलें. कितने पावरफुल वचन है मेरे भाइयों बहनों. हम ये स्क्रिप्चर्स को पढ़ के आगे निकल जाते हैं. लेकिन इनको तोलें तो थोड़ा रुक तो जाएं और सोचें तो प्रभु जी आप क्या कहना मांग रहे हो, प्रभु जी आप हमसे क्या बातचीत करना चाह रहे हो, प्रभु जी आप हमें किस लेवल के ऊपर उठाना चाह रहे हो. भाई बहनों बार बार मैं वही कह रहा हूँ, सेकेंड राइड के लिए हमें तैयार होना है. अब उन्होंने कहा था आई विल राइड दिस ट्रेन अगेन, दिस ट्रेल अगेन, वी विल राइड दिस ट्रेल वंस अगेन. वो उन्होंने कहा फ्रॉम द वेस्ट व्हाइट हॉर्स राइडर विल कम एंड दिस इज अ प्रॉमिस. जब खुदा ने प्रॉमिस करा है तो क्या हम रेडी हैं खुदा के प्रॉमिसेस को ग्रहण करने के लिए. ओ इफ वी कुड वे दोज वर्ड्स. यू कैन हैव व्हाट यू से, नॉट व्हाट आई से बट यू हैव सेड. यू कैन हैव व्हाट यू सेड. जो कुछ भी तुम कहोगे, जो मैं कहूँगा वो नहीं लेकिन जो कुछ भी तुम कहोगे और वो पूरा हो जाएगा तुम्हारे लिए. इट वॉज हार्ड टू बिलीव. इट वॉज हार्ड फॉर मी टू बिलीव इट. मेरे लिए ये बहुत कठिन हो रहा था. भाई ब्रैनम कह रहे हैं ये बहुत डिफिकल्ट था कि मैं इस बात को बिलीव करूं. इट जस्ट डिड दैट थिंग टिल टुडे. भाई ब्रैनम कह रहे हैं ये हमेशा मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि मैं कैसे विश्वास करूं. लेकिन प्रभु का भाई ब्रैनम कह रहे हैं यहाँ पे भाई ब्रैनम कह रहे हैं टिल टुडे होली गोस्ट रिवाइवल फायर्स आर बर्निंग द वर्ल्ड अराउंड. लेकिन प्रभु का भाई ब्रैनम कह रहे हैं आज पवित्र आत्मा की सामर्थ सारी दुनिया में फैल रही है. इसके अंदर इंडिया का भी नाम है. इंडिया अफ्रीका एशिया ऑल इनटू यूरोप. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं. आज ये समय आया है, आज ये समय आया है कि इंडिया में चारों इंडिया, इंडिया के पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब ये पवित्र आत्मा की आग फैल रही है, ये मैसेज की आग फैल रही है. क्योंकि कोई है जो उत्तर से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम दौड़ रहा है दौड़ दौड़ के जा रहा है और प्रभु की आग अब फैलती चली जा रही है. द होली गोस्ट फायर इज बर्निंग. होली गोस्ट पावर इज मूविंग. इट्स मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, बिकॉज समबडी इज देयर. कोई है जो इस पावर को लेकर के जा रहा है. पवित्र आत्मा की सामर्थ, मैसेज की पावर की सामर्थ, वचन की शक्ति आप देख लीजिए. इतने दिनों में कभी नहीं हुआ जिस चीज से आज हो रहा है. हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. भाई बहन हम कह रहे हैं इस मीटिंग के बाद इन्होंने कहा है मैं जा रहा हूँ बाहर, हम लोग जाने वाले हैं. हाँ और कल से हमारे पास्टर भाई भी जाने वाले हैं, भाई भी जाने वाले हैं. हमारी प्रभु से यही प्रार्थना है बाबू भाई को बहुत इस्तेमाल करें, माइटली इस्तेमाल करें कि ये आग, ये सामर्थ, ये वचन की आग, ये मैसेज की आग पूरे हिंदुस्तान में
और फैल जाए और फैल जाए। उस समय तो नहीं फैली जब भाई ब्रैनम आए थे, लेकिन अवश्य चिंगारी छोड़ गए थे वो। आज वो चिंगारी एक लौ बन गई है, आज वो चिंगारी बड़े धधकते भट्टे के समान हो गई है। और कोई है इस टॉर्च को ले जाने वाला? हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं इस टॉर्च के लिए जो एक है, जो लेकर के इस टॉर्च को लेकर के जा रहा। मेरा और आपका काम बनता है प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना में इस सेवकाई को उठाएं, प्रार्थना करें इस मिनिस्ट्री को उठाएं कि पवित्र आत्मा की आग, इस मैसेज की आग पूरे हिंदुस्तान को एनगल्फ कर ले। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ अभी तक मैसेज ना फैला वहाँ पर भी फैल जाए और पवित्र आत्मा बहुत मूव करें। और हम सब जानते हैं दो दुल्हन का हिस्सा हिंदुस्तान में है, पाया जाता है, वो रेडी हो सके प्रभु से मिलने के लिए। मैंने भाई बहन हम कह रहे हैं, मैंने कई बार सोचा प्रभु ये कैसे हो सकता है, आई क्वेश्चन हिम ऑफ द एबिलिटी, ये कैसे हो सकता भाई प्रभु। एंड ही टोल्ड मी दैट आई वॉज टू प्रे फॉर द सिक पीपल एंड द कमीशन वॉज गेट द पीपल टू बिलीव एंड बी सिंसियर, देन नथिंग वुड स्टैंड बाय द प्रेयर। बी सिंसियर, तब कुछ नहीं तुम्हारे सामने खड़ा रहना होगा। हमें सिंसियर होना है, यहाँ भी थोड़ा वहाँ भी, संडे को चर्च, मंडे को कहीं और, हाँ ये बात नहीं होना, सिंसियर होना है। प्रभु के वचन के साथ लग लिपट के चलना है और सिंसियर होना है। भाई बहन हम कहते हैं, आप लोग जानते हो भाई, ही सेड देन ही एक्सप्लेन द स्क्रिप्चर टू मी, और प्रभु ने भाई ब्रैनम को ये स्क्रिप्चर समझाया। एंड ओ फ्रॉम दैट टाइम द बाइबल बिकम्स अ न्यू वर्क टू मी, और उस समय से बाइबल मेरे लिए एक नया वचन बन गई। आई हैड अ डिफरेंट लुक ऑन इट एंड अ डिफरेंट व्यू ऑफ इट, समथिंग हैपेंड। जब प्रभु ने बातें समझाई कि तेरी पोजीशन क्या है, बाइबल एकदम नई बन गई, एक मेरा दृष्टिकोण एकदम से बदल गया। Then a little later he said, then if you will be sincere, stay humble, keep away from money and stuff. भाई ब्रैनम को खुदा कह रहे हैं तू humble बना रहना, दीन बना रहना, हाँ, और पैसे से दूर रहना। और हम सब जानते हैं भाई ब्रैनम ने कभी पैसे की लालच नहीं करी। पैसा भाई ब्रैनम के पीछे पीछे दौड़ता था, भाई ये चेक ले लो, भाई ये चेक ले लो, भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, हाँ। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। देन इट विल जस्ट कीप ब्लेसिंग यू एंड यू विल कीप क्लाइमिंग, और तब तुम्हें आशीष मिलती रहेगी और तुम ऊपर चढ़ते। पैसा है जड़ जो गिराता है। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज ये कलीसिया भी पैसे की ओर नहीं देखती, हमारे पास्टर पैसे की ओर नहीं देखते। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज तक इतने साल हो गए, हमने कभी हमारे पास्टर को ना उस समय देखा ना आज देखते हैं पैसे के पीछे दौड़ते हुए, लेकिन पैसा दौड़ता है, किसी बात की कमी नहीं रहती, क्योंकि खुदा का वचन है। जवान सिए तो कमी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन खुदा के डरवैयों को कभी किसी भरी वस्तु की घटी नहीं होने। आज तक इस कलीसिया को किसी बात की घटी हुई नहीं, चाहे आप कह लीजिए स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, चाहे कह लीजिए फिजिकल ब्लेसिंग, चाहे किसी प्रकार की ब्लेसिंग भी आप ले लीजिए, आज तक कभी कमी नहीं हुई और ना होगी, क्योंकि ये खुदा का वचन है। बी हम्बल, कीप अवे फ्रॉम द मनी एंड आई विल कीप ब्लेसिंग यू एंड यू विल कीप क्लाइमिंग इन योर मिनिस्ट्री। ये खुदा का वचन था और ये वचन आज भी बना हुआ है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो यू डोंट हैव टू बी रिच एंड माइटी इन दिस वर्ल्ड टू बी ग्रेट इन द साइट ऑफ गॉड। आपको बहुत धनी और बहुत पावर और कोई हस्ती वाला नहीं होना चाहिए। यू ओनली हैव टू बी हम्बल इन योर हार्ट। अपने मन में आपको दीन होना है सिर्फ। एंड गॉड कॉल दैट ग्रेटनेस एंड दैट्स ग्रेट इनफ टू हम्बल हिमसेल्फ। दैट्स अ ग्रेट पर्सन दैट विल टेक द ब्लेम फॉर एवरीथिंग, दैट विल हम्बल हिमसेल्फ, दैट्स ग्रेटनेस। जो अपने आप को दीन करता है वो हम्बल है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे फिर वो बताते हैं कैसे। एक दिन वो भाई, वन डे आई वॉज गोइंग अ फिशिंग एट डेल हॉलो विद सम मैन भाई बैंक्सवुड एंड हिज ब्रदर लायल, देवर यहोवा विटनेस अर्लियर। भाई ब्रैनम कह रहे हैं ये यहोवा विटनेस थे, लेकिन भाई ब्रैनम ने इनको प्रचार किया था और भाई बैंक्सवुड और उनके भाई दोनों के दोनों ने इस मैसेज को ग्रहण कर लिया था। और वो एक दिन कह रहे हैं हम फिशिंग के लिए कि वहाँ पर गए
और जब वहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे फिशिंग के कर रहे थे, आई टोल्ड यू द स्टोरी मैनी टाइम देर, मिस्टर वुड सेड, द बैंक्स वुड सेड दैट वन ऑफ यूर ट्रस्टीज हियर नाउ, जो कि आज हमारे कलीसिया में ट्रस्टी हैं भाई बहन, हम कह रहे हैं भाई बैंक्स वुड, एंड उन्होंने क्या कहा अबाउट सम ओल्ड सिस्टर, उन्होंने कहा एक बहन यहाँ पर ऊपर पहाड़ों के ऊपर रहती है जो कि मुझे और मेरे भाई को पहले खिलाया करती है, यूज़ टू फीड हमें स्लाइस ऑफ होम मेड ब्रेड एंड बटर, वो हमें ब्रेड बटर खिलाया करती है जब हम यहोवा विटनेस थे, इन पहाड़ों पे एक बहन रहती है, हम उसके घर जाया करते थे, ये फुल ये चर्च ऑफ गॉड की मेम्बर थी वहाँ पर और हमें खिलाया करती थी भाई बैंक्स, वो बहुत खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं अपने भाई से, कह रहे हैं लायल भाई से कह रहे हैं वी मस्ट गो अप एंड टेल हर दैट वी गॉट सेव्ड, एक वचन मुंह से निकला भाई बैंक रोड से, अपने भाई को कह रहे हैं लायल अब हमें ऊपर जाके उस बहन को कहना था, वो बहन कहती होगी इनको अरे वचन सुनाती होगी वो, हाँ चर्च ऑफ गॉड की थी वो, जो भी वचन जानती तो कहती होगी, हाँ उद्धार के बारे में बात करती होगी, अब भाई बैंक्स वो जब फिशिंग के लिए भाई बहनम के साथ हैं, भाई लायल भी उनके साथ हैं, कह रहे लायल अब हमें ऊपर जाना है और उस बहन से हम कहेंगे अब हम बच गए हैं, हाँ? ये बताना मांगते थे, यू नो देयर जस्ट सर्टन थिंग दैट वी कैन से एंड टेक ए होल्ड विद द होली स्पिरिट, भाई बहन हम कह रहे हैं जब कुछ वचन कहा जाता है पवित्र आत्मा इसको पकड़ लेता है, पवित्र आत्मा टेक होल्ड ऑफ इट, कुछ वचन कुछ ऐसी बात कही जाती है जो पवित्र आत्मा को बहुत पसंद आती है और वो उसे पकड़ लेते हैं, जस्ट सर्टन थिंग दैट प्लीजेस हिम जस्ट राइट, जिससे खुदा खुश होते हैं, कुछ ऐसी बात जिससे खुदा खुश होते हैं, यदि हमारे मुख से वो बात निकलती है जैसे भाई बैंक्सफुट ने कहा और खुदा का आत्मा बहुत खुश हुआ कि ये कह रहे हैं, हम जाकर के अपनी गवाही दें कि हम कैसे बच गए हैं, हाँ वॉट आई वॉन्ट यू टू नोटिस वॉट यू से, इफ़ यू कैन जस्ट फाइंड वॉट टू से यूर वर्ड जज यू, क्या कहना चाहिए, हाँ हमारे वचन जजते हैं, एंड अनकॉन्शियसली बैंक्स मस्ट हैव सेड द राइट थिंग, और अनजाने में बैंक्सफुट भाई ने सही चीज़ कहा होगा, हाँ और एंड मैन जब भाई बैंक्स ने सेड ऑल ऑफ ए सडन समथिंग स्ट्रक मी, और जब भाई बैंक्सफुट ने ये बातें कही किसी ने मुझे पकड़ा, हाँ He said the right thing and the Holy Spirit spoke out and said, Thus said the Lord. और पवित्र आत्मा इतना खुश हुआ, उन्होंने भाई ब्रैनम से कहा, Thus said the Lord, you will find in the next few hours there will be a resurrection of a little animal. थोड़े समय में तुम देखोगे एक छोटे एनिमल का रिजरेक्शन होगा। खुदा को इतनी बात पसंद आई, बैंक्वेट की बात इतनी पसंद आई कि खुदा का आत्मा बहुत खुश हुआ और भाई ब्रैनम को कहा थोड़ी देर में ही तुम एक रिजरेक्शन को देखोगे, हाँ और आई थॉट मैंने सोचा हो सकता है मेरे बेटे ने एक किटन को ज़्यादा मसल दिया था, बिल्ली के बच्चे को, हो सकता वो शायद मर गया और खुदा उसको जिलाएंगे, वो सोच रहे थे, सब कुछ सोच रहे थे, लेकिन उसी समय भाई लायल ने एक 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 मछली को, उनके बेट ख़त्म हो गए थे, छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ रहे थे, भाई लायल ने एक मछली को पकड़ा और उन्होंने हुक से ऐसा खींचा सारा उसके अंदर की सारी चीज़ें और सारा निकल गया और वो मर गई और उन्होंने उसको फेंक दिया और पानी में तैर रही थी, हाँ और देन गॉड डज थिंग्स सो स्ट्रेंज, लेकिन जब वो मछली मर गई थी भाई बहन हम कह रहे हैं इन्होंने उसका सारा फेफड़े उफड़े हुक को ऐसा खींचा कि सब निकल गए थे और पानी में फेंक दिया था, आधे घंटे तक वो पड़ी हुई थी, खुदा कुछ अजीब करता है, All of a sudden, I felt there coming something down over the top of them were woods. कुछ मैंने महसूस किया आत्मा का अभिषेक उस जंगल में मैंने महसूस किया. The Holy Spirit moved down and said, "Stand up." पवित्र आत्मा ने कहा मुझे खड़ा हो जा. Said, "Speak to that little fish." उस छोटी मछली को कह दे. And it shall have its life again. It has been lying there for half an hour, आधे घंटे के सन्नाटे में चली गई थी वो, लेकिन कोई आया, उन्होंने बोला, Little fish, I give you life. हम मरे हुए थे, लेकिन कोई आया हमारे पास, उन्होंने कहा, I give you life. और जो मरी हुई मछली थी और हम जो मरे हुए थे हमारे अंदर जीवन आ गया, वो मछली ने फड़फड़ाया और पानी के अंदर चली गई. I said, Little fish, I give you life in the name of Lord Jesus. That little fish turned over. Flipped up and went out into the water just as hard as she could go. I stood there not knowing what to do. मैं खड़ा हुआ था, मैंने सोचा बाप रे अब मैं क्या करूँ. भाई बहनम उसकी हालत में आ गए कि मुँह का निकला हुआ वचन था, मछली जो आधे घंटे से मरी हुई पड़ी थी, हाँ
जीवन आ गया और चली गई. ब्रदर बैंक्स वुड सेड इट इज़ गुड फॉर अस टू बी हियर. भाई ब्रैनम हमारे लिए अच्छा है कि हम यहाँ पर रहें. वही बात माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन के ऊपर पत्रस याकूब यूहन्ना कह रहे हैं यीशु मसीह से कि प्रभु जी हमारा यहाँ पर रहना अच्छा है. लेकिन वहाँ पर क्या आवाज़ आई, हियर हिम, इनकी सुनो. और यहाँ पर भी हो सकता है आवाज़ आई होगी. अपने मन से कोई इमेजिनेशन ना करो. यहाँ पे मेरा एक दास खड़ा है, मेरा प्रॉफिट खड़ा है, हियर ही हिम. अपने मन से तुक्के ना लगाओ कि अब हमें ये करना है, अब हमें ये करना है. जा करके पास्टर भाई को अपनी आइडिया मत दो, अपने सजेशन मत दो, क्योंकि खुदा को मालूम है क्या करना है, खुदा जानता है कि क्या करना है. तो वो बैंक्स वुड कह रहे हैं हम यहाँ पे रहना अच्छा है, लेकिन वहाँ पे अवश्य आवाज़ आई होगी, ये मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो, ये जो कहता है वो करो. आई हैड एटलीस्ट 100 लिटिल स्पास्टिक चिल्ड्रन ऑन द लिस्ट टू प्रे. मेरे पास 100 से अधिक बच्चों की लिस्ट थी जो चल नहीं सकते थे. ल्यूकेमिया था, कैंसर था, लोगों के नाम थे जिनको टीबी थी, जो खाए हुए थे, अंधे थे और बहरे थे, गूंगे थे. देर इज़ पेज आफ्टर पेज पेज एट माई हाउस. एक लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे पास लगी हुई थी. एंड लुक लाइक दैट ए मर्सीफुल गॉड वुड हैव ग्रांटेड दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज पावर ऑन ए लिटिल ओल्ड इनसिग्निफिकेंट पेज. मैं सोचने लगा इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास, अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे वगैरह हैं, स्पास्टिक चिल्ड्रन हैं, कैंसर से खाए हुए लोग हैं, लेकिन प्रभु जी आपने इस सामर्थ को ये छोटी मछली के ऊपर क्यों इस्तेमाल करी. वही बात सामने आती है, यीशु मसीह के सामने भी हजारों लोग होंगे जो बीमार होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन उन्होंने जाकर के अपनी सामर्थ को एक अंजीर के वृक्ष के ऊपर इस्तेमाल करी. जा, अब से तेरे अंदर फलने लगेंगे, क्योंकि ये गॉड है, खुदा है, खुदा को मालूम है क्या करना है. अपनी बुद्धि से हम खुदा को कभी नहीं समझ सकते. ही रिमेंस गॉड. Why didn't he use his power on the lepers at the gate instead of the little fig tree? What is it to do? God wants to show that he is concerned. Amen. He knows all things. He is God over the fig tree. खुदा बताना चाह रहा है मैं खुदा हूँ उस स्त्री का भी. ये मत सोचो कि फकीर फरीसी सोचते होंगे अरे ये तो ऐसा ही ऐसा है. खुदा बताना चाह रहे हैं मैं क्रिएटर हूँ, मैं क्रिएशन का खुदा हूँ. इसलिए उन्होंने फिग ट्री को कस कर दिया और नेक्स्ट डे वो सूख गई. ही नोज ऑल थिंग. ही इज गॉड ओवर द फिग ट्री, ही इज गॉड ओवर द फिश, ही इज गॉड ओवर हिज क्रिएशन. खुदा मेरे और आपके ऊपर भी है. खुदा जानता है मुझे और आपको क्या चाहिए, खुदा जानता है हमारी क्या जरूरत है. वो हमारा खुदा है. ही इज गॉड ओवर हिज क्रिएशन. ही इज गॉड ओवर ऑल थिंग एंड देयर नथिंग टू लिटिल और टू इनसिग्निफिकेंट बट वॉट ही इज इंटरेस्टेड इन. ऐसी कोई छोटी सी बात नहीं है, कोई इनसिग्निफिकेंट बात भी नहीं है जिसमें खुदा इंटरेस्टेड नहीं है. हमारी हर एक छोटी से छोटी बातों के अंदर खुदा इंटरेस्टेड है. जब हम उसके क्रिएशन हैं, देखो नई सृष्टि, मैंने सारी चीज़ें नई कर दी, सारी की सारी नई होगी. जब हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, हम नई सृष्टि बन गए, हम खुदा की सृष्टि बन गए. अब हमारी छोटी से छोटी जरूरत चाहे कैसी भी हो, चाहे एक पिन की आवश्यकता हो, चाहे कुछ भी आवश्यकता हो, ही इज़ अ क्रिएटर, ही नोज हमारी क्या जरूरत, चाहे वो छोटी छोटी जरूरत क्यों ना, हमारे खुदा को सब कुछ पता है क्या करना अपने बच्चों के लिए. सो दैट वुड गिव अस टू नो दो वी बी लिटिल एंड इनसिग्निफिकेंट. यदि हम छोटे हो सकते हैं, कोई हमें ना पहचानता, लेकिन खुदा से फजल से आज सारा जहान हमें पहचानता है. प्रभु का धन्यवाद हो. हम इनसिग्निफिकेंट हो सकते हैं, कोई हमें ना जानता हो, ना जाने, लेकिन क्रिएटर हमें जानता है, जिसने सृष्टि को बनाया, सृष्टिकर्ता हमें जानता है. हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते. संसार के लोग हमें ना जाने, बड़े बड़े औहदे प्राप्त करने वाले लोग हमें ना जाने, हमें कोई फिक्र की बात नहीं. सिर्फ इतना होना चाहिए, इतना हमें जानना चाहिए कि क्या खुदा हमें जानता है. ऐसा तो नहीं मत्ती सात के अनुसार वो कह देगा मेरे सामने दूर जाओ मैं तुम्हें नहीं जानता. खुदा जाने ये अच्छा है बनिस्बत इसके कि लोग हमें जाने, लोग हमारी वाह वाह करें. इससे अच्छा है खुदा हमें जाने. चाहे हम कैसे भी हो, इनसिग्निफिकेंट हो, छोटे हो, गरीब हो, बड़े हो, कुछ भी हो, लेकिन खुदा हमें जानता है. वो क्रिएटर हमें
जानता है, ये सबसे बड़ी बात है। गॉड इज इंटरेस्टेड इन अस डूइंग समथिंग फॉर हिम, ही लाइक्स टू डिस्प्ले हिज ग्लोरी। खुदा अपनी महिमा करना चाहता है। हाँ, खुदा ये कहता है, ए छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मेरे पिता को यही भाया कि राज तुझे दे दे। बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में, बड़े बड़े राजा लोग हैं, करोड़ों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं, लेकिन हमारा खुदा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहता है, ए छोटे झुंड तू मत डर, क्योंकि मेरे पिता को यही भाया कि वो राज तुम्हें दे दे। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारा खुदा हमारे अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, हमारा खुदा हमारे अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। एंड भाई बहन हम कह रहे हैं, एंड दैट स्टक विथ मी सो हार्ड दैट कुड हार्डली रेस्ट डे एंड नाइट। ये चीज़ मेरे को इतना वो लगी, मेरे दिल को छू गई, या भाई ब्रैनम की आत्मा को झिंझोड़ दिया, एक तरह से कहूँगा, मैं दिन और रात रेस्ट नहीं कर पाया कि खुदा कैसे छोटी छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट है, कैसे खुदा एक इंसान को इस्तेमाल कर रहा है कि जो कुछ तू कहेगा वो हो जाएगा। मैं इस खुदा की सामर्थ को देख के भाई बहनम कह रहे हैं, आई कुड हार्डली रेस्ट डे एंड नाइट, दैट हैज बीन 2 years अगो। भाई बहनम 59 में प्रचार कर रहे हैं कि 1957 में ये बात हुई थी, 2 साल हो गए हैं ये बात, एंड कॉन्स्टेंटली इट हैज़ बीन हॉन्टेड एट मी, और ये बात मुझे बार बार वो करती रही, बताती रही, बार बार मुझे बताती रही, एंड आई सेड, ओह आई जस्ट कांट से नथिंग अबाउट इट, फॉर आई कांट प्लेस इट इन द अटोनमेंट, मैं इसे प्रायश्चित में नहीं रख सकता। वॉट एवर यू से इट शैल कम टू पास, ये भाई बहनम इसी के ऊपर 2 साल बीत गए हैं और इसी के ऊपर बार 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 सोचते जा रहे हैं कि जो कुछ तुम कहोगे वो पूरा हो जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, तो क्या हम ऐसे ही बैठे रह जाएं? क्या ये बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए कि जब हम जो कुछ कहें? कई बार ऐसा होता है और आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, आप दिल में सोचते हैं, दुआ भी नहीं करी होगी और वो बातें हो जाती हैं। कई बार होता है ऐसा, अजमाया हुआ है ये। कई बार हम प्रार्थना नहीं कर पाते लेकिन दिल में सोच लेते हैं प्रभु ऐसा हो जाए, और ये कई बार हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यू कैन हैव व्हाट यू से, एंड आई हैव स्टूड हियर एट द सेम पुलपिट एंड ट्राइड एंड रन ऑन द स्क्रिप्चर एंड रिफ्रेन फ्रॉम इट एंड गो बैक बिकॉज आई वाज अफ्रेड टू यूज़ इट। भाई बहन हम कह रहे हैं, अब मैं बार बार इसे इस्तेमाल करने के लिए डरता था। खुदा ने सामर्थ दे दी, एक बार तो हो गया, वो लिटिल फिश को जीवन आ गया, लेकिन 2 साल बीत गए, मैं बार बार डरता था कि इसको कैसे इस्तेमाल करूँ, कैसे इस्तेमाल करूँ। इस पुलपिट के ऊपर मैं 2 साल से खड़ा हुआ हूँ और मैं सोचता था, सो इट वेंट ऑन अप एंड डाउन, आई हैड गेट इट इन माई माइंड एंड जस्ट कुडंट गेट इट अवे, एंड एवरीवेयर आई हैड गो इट वुड कॉन्स्टेंटली कम टू मी, ये बातें जो कुछ तू कहेगा, बार बार भाई बहनम के मुंह में आ रही है, बार बार भाई बहनम के अंदर ये बात आ रही है, वो स्क्रिप्चर बार बार भाई बहनम को कह रहा है, जो कुछ भी तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। And everywhere I go, it would constantly come to me, if you say to this mountain. यदि तुम इस बाहर, भाई ब्रैनम देखिए 2 साल से इसी आयत को अपने अंदर बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, यदि तू इस पहाड़ से कहेगा, be thou plucked up and cast into the sea and don't doubt in your heart, but shall believe that what you have said will come to pass, you can have what you have said. यदि तू इस पहाड़ से कहेगा, उखड़ करके समुद्र में चला जा और अविश्वास नहीं करेगा तो जो कुछ तू कहेगा तेरे लिए हो जाएगा। बार 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 खुदा उन्हें याद दिला रहा है, खुदा उस स्टेज के ऊपर लेकर के आ रहा है, और आज खुदा हमारे विश्वास को भी उस स्टेज के ऊपर लेकर के आना चाह रहा है कि जो कुछ भी हम कहेंगे, जो कुछ भी तू कहेगा, जो कुछ भी फलाना फलाना भाई कहेगा, जो कुछ भी फलानी फलानी बहन कहेगी और अविश्वास नहीं करेगी तो वो उसके लिए हो जाएगा, अवश्य हो जाए। खुदा हमें उस स्टेज के ऊपर लाना चाह रहा है। आई थॉट भाई बहन बार बार कहते थे ये कैसे हो सकता है प्रभु, ये कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा। एंड ऑल थिंग रेस्टेड इन द अटोनमेंट, हर एक चीज़ प्रायश्चित के अंदर होती है। देयर इज नो ब्लेसिंग आउटसाइड ऑफ द अटोनमेंट, प्रभु के ब्लड के अंदर हर एक आशीष हैं। यदि हम खुदा के खून में, प्रभु यीशु मसीह के खून में छुपे हुए हैं, हर एक आशीष के भागीदार हैं। खुदा के, प्रभु यीशु मसीह के लहू के बाहर कोई भी आशीष नहीं है। एवरीथिंग इज अंडर अटोनमेंट, प्रभु के लहू के अंदर एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज़
संभव है, उसके जरिए उसके लहू के तहत आके हम कहते हैं हर एक चीज़ संभव है। वी आर सिनर, हम तो अटोनमेंट के बाहर हम सिनर होते हैं, लेकिन अटोनमेंट के अंदर प्रभु के जो कुछ भी हम कहेंगे होगा प्रभु। इफ़ इट वॉज जस्ट ए यूनिवर्सल थिंग फॉर एवरीबडी देन एवरीबडी वुड बी सेव। यदि ये बात यूनिवर्स के लिए होती, सबके लिए होती, सब हो जाते, लेकिन नहीं। बट इट्स यूअर्स एटीट्यूड टूअर्ड द ब्लेसिंग ऑफ अटोनमेंट, लेकिन आपका ये एटीट्यूड कैसा होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। भाई बहनम ने हर एक चीज़ जंगलों से सीखी, जंगलों में जाते थे भाई बहनम, घर आते थे प्रचार कर करके बंदूक उठाते थे और जंगल में चले जाते थे बार 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 बार। यहाँ तक कि सिस्टर मीडा भी कहती थी कहाँ जा रहे हो। एक दिन तो उनकी बेटी ने भी कह दिया, पापा मैं ऐसे लड़के से कभी शादी नहीं करूँगी जो बार बार बंदूक लेके शिकार करने चला जाए। भाई बहन हम चले तो गए, लेकिन कहते जब मैं शाम को आया उसने मेरे से माफ़ी मांगी, पापा मैंने गलत कह दिया, बल्कि मैं उसके साथ साथ और जाऊंगी, जहां पर जाएगा मेरा हस्बैंड वहां पर मैं भी जाऊंगी। वेल इट्स समथिंग इन द वुड्स, भाई बहन हम कह रहे हैं कुछ है जंगल के अंदर। मैं क्यों बार बार जाता हूँ जंगल, क्योंकि मेरा उद्धार जंगल में ही हुआ था। कैसे वो बताते हैं जब जंगल में थे वो, जब वो अपने पापों की क्षमा मांगना चाहते थे उन्हें नहीं मालूम था क्या करूं, एक पेड़ जहां पे खुदा की मुलाकात पेड़ के नीचे बचपन में उनकी हुई थी वहां पर वो खड़े हो गए, वहां पर उन्होंने चिट्ठी लिख दी, अपने पापों का अंगीकार कर दिया और वहां पर पेड़ के ऊपर लगा दिया कि मेरा प्रभु आएगा और इस चीज़ को पढ़ लेगी। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ऐसा नहीं होता है हम प्रभु। अब नाउ भाई बहन हम कहते हैं, मैं अब वो जिक्र कर रहे हैं गिलहरियों का कि वो और भाइयों के साथ, भाई शॉर्टमैन के साथ, भाई रॉबर्टसन के साथ ये 11 अक्टूबर को गिलहरियों का शिकार करने के लिए गए। 18 को भाई बहनों के, 15 को डियर सीज़न खुल रहा था और 12 लास्ट डे थी आई कुड हंट एंड वी आर गोइंग टू लीव ऑन द 12th। और इस समय में गए थे, उस समय ज़्यादा गिलहरियाँ मिलती नहीं थी। हाँ भाई बहन हम कह रहे हैं, सो हम लोग वहाँ पर गए शिकार करने के लिए। अब वो बताते हैं कैसे भाई बहन हम वहाँ पर थे, एक भी गिलहरी नहीं मिली वहाँ पर, दिन भर वो बैठे रहे। एज ए सिट देयर अंडर अ ट्री, भाई बहन हम को जब दिन भर शिकार नहीं मिला एक पेड़ के नीचे वो बैठ गए। गिलहरियाँ उस समय बहुत कम थी, सीज़न ख़त्म हो रहा था गिलहरियों का, वो बैठे हुए थे। एज अ सिट देयर अंडर द ट्री जस्ट गॉट स्नक डाउन एंड द वार्म सन शाइनिंग ऑन मी समथिंग सैड। मैं दो पेड़ के बीच में बैठे हुए थे भाई ब्रैंडम और सूरज ऊपर चमक रहा था। समथिंग सैड इफ यू से टू दिस माउंटेन, वही बात फिर उनके माइंड में आई कि यदि तू इस पहाड़ से कहेगा बी दॉ प्लक्ड अप एंड कास्ट इन टू द सी एंड शैल नॉट डाउट इन योर हार्ट बट बिलीव दैट दोज थिंग दैट यू सेड विल कम टू पास, यू कैन हैव वॉट यू हैव सेड। यही आयत भाई ब्रैंडम के माइंड में फिर से आई। And I got after I was speaking there for a while inside myself just thinking till I become so conscious of something near। ये बात मेरे अंदर चलती आ रही थी और मैं इतना conscious हो गया कि कोई यहाँ पर है। भाई बहनम कहने लगे ये आवाज़ इतनी बढ़ती चली गई कि जो कुछ भी तुम कहोगे, जो कुछ भी यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे समुद्र में चला जा और विश्वास करोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बात ऐसी बार 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 रिपीट हो रही थी। एंड इट गॉट आफ्टर आई वाज स्पीकिंग देयर फॉर अ व्हाइल इनसाइड माय सेल्फ जस्ट थिंकिंग टिल आई बिकम सो कॉन्शियस समथिंग नियर टिल आई वॉज टॉकिंग टू समवन। मैं सोचा कि कोई मेरे बाजू आ गया है, मेरे पास खड़ा हुआ है और मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ। एंड समथिंग सेड टू मी दैट्स इन द अटोनमेंट, ये अटोनमेंट के अंदर है। फॉर इफ ए मैन और अ वुमेन इज सो कॉन्सिक्रेटेड एंड सरेंडर टू गॉड दैट गॉड जस्ट मूव्स इन एंड यूजेस देयर वॉइस। यदि हम अटोनमेंट के अंदर है, अपने आप को कॉन्सिक्रेट करते हैं एक आदमी और औरत, तो खुदा उनके अंदर आ जाता है। एंड इट इज इन द मैन स्पीकिंग, और तब खुदा नहीं कहता है, इट्स गॉड दैट्स इन हिम स्पीकिंग। खुदा कह रहा है जब अटोनमेंट के अंदर एक इंसान आ जाता है तब वो जो बोलता है वो इंसान नहीं बोल रहा है, दैट इज गॉड स्पीकिंग, तब वो खुदा बोल रहा है, क्योंकि वो खुदा के अटोनमेंट में आ गए, उनके लहू के अंदर आ गए और तब वो इंसान नहीं रह जाते। ऐसा होता है खुदा बोल रहे हैं, आई थॉट दैट्स राइट एंड आई सेड दैट इज ट्रू, आई सी इट इज गॉड दैट स्पीकिंग एंड ऑल द चर्च नीड इज़ अ स्टेप क्लोजर टू हिम। भाई बहन हम कह रहे हैं मैंने महसूस किया कि खुदा बोल रहे हैं और मैं महसूस करता हूँ कि हमारे कलीसिया को एक स्टेप और क्लोज खुदा के आना चाहिए।
और एक कॉन्सिक्रेटेड लाइफ जीना चाहिए, एक पवित्र लाइफ खुदा के साथ जीना चाहिए था। और सडनली मैंने वहाँ से एकदम से, फिर भाई ब्रैनम कहते हैं व्हाट आर यू, आई सेड हु आई एम टॉकिंग टू। भाई ब्रैनम एकदम से उत्तेजित हो जाते हैं और कहते हैं आप कौन हो जो मुझसे बातचीत कर रहे हो, ये सारी बातें कि जो तू कहेगा वो पूरा हो जाएगा वगैरह वगैरह सब। भाई ब्रैनम कह रहे हैं आप कौन हो, किससे, हु आर यू, हु इज स्टैंडिंग हियर इन दीज बुशेस दैट आई कैन हियर दैट वॉइस टॉकिंग टू मी, हु आर यू, स्पीक आउट टू मी। भाई ब्रैनम कह रहे हैं आप कौन हो, मुझसे बोलो, हाँ निकल करके आओ बताओ मुझे। आई गॉट ऑल एक्साइटेड एंड जम्प्ड अप फ्रॉम बिटवीन दोज ट्रीज, आई सेड स्पीक टू मी, हु आर यू, आई कांट सी यू, आई कांट लुक फॉर यू। इसे मैं तुम्हें नहीं देख सकता, मैं वो लाइट को भी वहाँ इन पेड़ों के बीच में नहीं देख सकता, लेकिन कोई मुझसे बातचीत कर रहा है। भाई बहन हम कह रहे हैं कौन है आप मुझसे बातचीत कर। आई स्क्रीम्ड आउट, मैं जोर से चिल्लाया, हु आर यू, आप कौन हो, वेर आर यू, आप कहाँ पर हो, यू वॉन्ट विथ मी, वॉट डू यू वॉन्ट विथ मी लॉर्ड। मैंने कहा प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप यहाँ पे जंगल में यहाँ पे उतर करके आ गए हैं, आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, प्रभु जी आप क्या चाहते हैं, वेर आर यू। समथिंग मूव बैक एंड से वॉट यू विल एंड इट शैल बी गिवन टू यू। एक आवाज आए, जो कुछ भी तुम कहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। आई सेड लॉर्ड आर यू चेंजिंग माई मिनिस्ट्री, मैंने पूछा प्रभु क्या आप मेरी मिनिस्ट्री चेंज कर रहे हो, इज दिस द चेंज यू हैव बीन स्पीकिंग ऑफ, क्या आप मेरी मिनिस्ट्री की चेंज के बारे में बातचीत कर रहे हो, इज दिस व्हाट इज कमिंग टू, क्या ये मेरी मिनिस्ट्री चेंज हो रही है। और हम जानते हैं आगे चल के हुई, इज दिस व्हाट इट विल बी समथिंग इन दैट लिटिल हाउस, क्या मैंने वो टेंट विजन देखा था, क्या वो आप फुलफिल करने वाले हो, मैं ये सोचने लगा। आई सॉ इन द विजन इज दैट थी, जस्ट देन अ रियल डीप स्वीट अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट रेज मी अप, तभी एक बहुत ही स्वीट, एक मधुर पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग आई और उसने मुझे खड़ा कर दिया। ऑफ माई फीट एंड आई सेड से वॉट यू विल एंड इट शैल बी गिवन एन टू यू, उसने कहा जो कुछ भी तुम कहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा वगैरह वगैरह। हम और भाई बहन हम खड़े हो गए, भाई बहन हमने कहा, एंड आई पुट माई शोल्डर अगेंस्ट द ट्री एंड आई सेड गॉड माई राइफल सेट फॉर 50 yards टू, आप प्रभु जी मुझे इस डायरेक्शन में इस पेड़ के ऊपर इस डाली के ऊपर एक रेड स्क्विरल दीजिए। और थोड़ी देर में वहाँ पर एक रेड स्क्विरल आ गई, एंड नो मोर देन आई हैड सेड देयर वाज अ स्क्विरल, आई हैड ट्रेम्बल्ड अ लिटिल एंड लेवल डाउन एंड शॉट द स्क्विरल, वॉक्ड ओवर एंड पिक्ड इट अप, आई वाज शेकिंग ऑल ओवर। और मैंने सोचा शायद ये ऐसे ही हो गया, चलो ये फ्लूक हो गया भैया, मैंने कहा और अचानक से रेड स्क्विरल आ गई और मैंने इसे मार लिया, हो सकता है ये ऐसे हो गया। डाउट देखिए मन के अंदर फिर भी डाउट आ रहा है, स्क्विरल मार ली और गरम गरम लहू बह रहा है, उस स्क्विरल को उठा ली, लेकिन फिर भी एक ख्याल आ रहा है क्या ये ऐसे ही तो नहीं हो गया। आई सेड लॉर्ड इट इज रिटन इन योर वर्ड दैट माउथ ऑफ टू और थ्री विटनेसेस लेट एवरी वर्ड बी स्टैब्लिश्ड, आई सेड इफ दैट वाज यू फॉरगिव मी ऑफ माय स्टूपिडनेस बट आई प्रे दी टू मी गिव मी अनदर स्क्विरल। अब मैंने कहा प्रभु जी मेरी मूर्खता को आप क्षमा करें, लेकिन आप मुझे एक और स्क्विरल दीजिए, कहाँ पर दीजिए। इन जस्ट इन अ मोमेंट हियर कम दैट आई कॉल इट सुपर अनॉइंटिंग स्वेप्ट ओवर अगेन, एक अनॉइंटिंग फिर मेरे ऊपर आई और आई वॉज ऑलमोस्ट ऑफ माई फीट एंड सेड वॉट यू विल एंड शैल बी गिवन यू, फिर अनॉइंटिंग ने कहा जो कुछ भी तुम कहोगे वो हो जाएगा। एंड आई लुक टूवर्ड द वेड अनटिल आई फाउंड अनदर ट्री, मैं देखा मैंने कोई एक और पेड़ दिखा, मैंने कहा प्रभु वहाँ पर एक स्क्विरल हो जाए, और जैसे ही मैंने कहा था वहाँ पर एक स्क्विरल आ गई और मैंने उसको मारा। I thought the great mighty God of heaven is here in the woods and he is confirming to me in my own way hunting here that he is going to do just exactly what he told me 15 years ago. भाई बहन हम सोच रहे हो 15 साल पहले जब उन्होंने मुझे मिनिस्ट्री दी थी प्रभु ने जो मुझे कहा था अब वो पक्का करते चले जा रहे हैं, अब जो मैं कह रहा हूँ वो हो रहा है। और वो उन्होंने सोचा चलो he is confirming to me in my own way hunting here that is going to do exactly 15 years. I watched it little bit, I said Lord इट शैल हैपन अगेन, क्या प्रभु अब ये एक बार और होगा। ही सेड स्पीक द प्लेस वेर इट विल बी, प्रभु ने कहा हाँ अब तुम बोलो कहाँ चाहिए तुम्हें। आई सेड आई विल मेक दिस रेडिकल, आई सेड दैट ओल्ड स्नैग, एक पहाड़ी के ऊपर एक स्नैग है देयर बाय द साइड ऑफ द फील्ड
वहाँ पर प्रभु जी हो जाए, और वहीं पे एक स्क्रूल आ गई और उन्होंने उस स्क्रूल को मार लिया। वहाँ पर भाई बहनम ने देखा, पहले तो स्क्रूल नहीं थी, 5 मिनट बीत गए, लेकिन वहाँ पर 2 स्क्रूल आ गई। आई सेड 2 इज़ अ विटनेस, आई बिलीव लाइक दैट, बट समथिंग सेड यू सेड देयर वुड बी 1, आई वेटेड अनदर 5। 2 स्क्रूल आ गई, भाई बहनम मारना चाहते थे, आवाज़ ने कहा तुमने 1 मांगी है। देखिए प्रभु कितना स्पेसिफिक है, प्रभु अपने वचन में स्पेसिफिक है, पवित्र आत्मा स्पेसिफिक है। वो उन्होंने 1 मांगी और वो 1 दे रहे हैं, वहाँ पे 2 आ गए। मैं मारना चाहता, आवाज़ आई तुमने 1 मांगा था, तो मैंने उनको नहीं मारा। एंड समथिंग सेड बट यू सेड देयर वुड बी 1, आई वेटेड अनदर 5 मिनट, तब मैं और 5 मिनट रुका, मैंने उन 2 कुरल को नहीं मारा, नथिंग, एंड इट केप्ट कोटिंग इन माई हार्ट, यू सेड देयर वुड बी 1, आई वेटेड एंड वेटेड, समथिंग सेड आर यू डाउटिंग, मैं वेट कर रहा हूँ, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आवाज़ कह रही क्या तुमको डाउट लग रहा है? आई सेड नॉट 1 बिट लॉर्ड, मेरे को कोई डाउट नहीं हो रहा है प्रभु जी, आई नो मोर देन सेड दैट। यदि जब जैसी मैंने कहा प्रभु मुझे कोई डाउट नहीं है, उस लिम के ऊपर एक रेड स्क्विरल आके खड़ी हो गई, जहाँ मैंने कहा था वहाँ अब एक स्क्विरल आके खड़ी हो गई, और भाई ब्रैनम ने फिर उस स्क्विरल को मारा और ये बहुत खुश हो गए, और ये सारे के सारे भाई लोग वहाँ से निकल करके आ गए। आई कम होम एंड टोल्ड यू अबाउट इट, एंड देन ऑन 7 भाई बहन हम कह रहे हैं 7 नवंबर को हम लोग केंटकी में थे, और वहाँ पर भाई बहन हम कह रहे हैं आई गॉट 114 भाई बहन हम फिर से वहाँ पर शिकार करने गए, और भाई लोग उनके साथ थे, और उन्होंने वहाँ पर प्रभु से प्रार्थना करी। एंड समथिंग सेड टू मी हाउ मेनी स्क्विरल डू यू वॉन्ट दिस मॉर्निंग, अब ये 7 नवंबर वो डेट दे रहे हैं, 7 नवंबर को भाई बहन हम आ गए स्क्विरल के लिए। किसी आवाज़ ने मुझसे कहा आज तुम्हें कितनी स्क्विरल चाहिए? मैंने मन में सोचा मेरी 117 स्क्विरल हो गई है, प्रभु जी मुझे 3 स्क्विरल और दे दीजिए। तो गुड समथिंग सेड से टू इट स्पीक द 3 स्क्विरल एंड यू विल हैव इट। किसी आवाज़ ने मुझे कहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ पढ़ने, किसी आवाज़ ने मुझसे कहा तुमको 3 स्क्विरल चाहिए, बोल दो। मैंने कहा प्रभु जी एक मेरे लेफ्ट से आ जाए, एक मेरे दाहिने से आ जाए, एक पीछे से आ जाए, मुझे 3 स्क्विरल चाहिए, एक नॉर्थ साउथ से आ जाए, एक पीछे से आ जाए। मैंने कहा ठीक है। और थोड़ी देर के बाद बाईं तरफ से एक ट्री में एक स्क्विरल आ गई, 90 फीट की करीब यार्ड की दूरी पर थी, मैंने उस स्क्विरल को मारा और ले लिया उसको। अनॉइंटिंग वॉज ऑफ मी देन, आई वेटेड एंड वेटेड फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे तक फिर मैं वेट करता रहा, अनॉइंटिंग मेरे ऊपर से चली गई थी। मैंने 1 स्क्विरल मांगी थी, वो एक दिशा से आ गई, सॉरी राइट से वो आ गई, नाउ एंड देन टू माई लेफ्ट आई केप्ट वॉचिंग। अब मैं लेफ्ट की ओर देखने लगा कि अब यहाँ से मैंने 1 मांगी है, अब यहाँ से 1 स्क्विरल आनी चाहिए। मैं देखता रहा, 1 घंटा बीत गया, बट सडनली उसके बाद ऑन ए ट्री कमिंग राउंड बीच देर कम ए ग्रे स्क्विरल। आई सेड जस्ट एग्जैक्टली दैट वे, जहाँ मैंने कहा था वहाँ से एग्जैक्टली एक ग्रे स्क्विरल आ रही थी। मैंने कहा प्रभु 1 घंटे के बाद वो आई, मेरा विश्वास थोड़ा हो रहा था, लेकिन प्रभु ने कहा क्या तुम डाउट कर रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं प्रभु जी, मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, आपने कहा और हो जाएगा। और थोड़ी देर के बाद एक ग्रे स्क्विरल लेफ्ट से एक चली आ रही है। आई रेज शॉट द फर्स्ट स्क्विरल, अदर वन रन अंडर ए लॉग, आई कुड सी हिम कटिंग ऑन कोरी नट और समथिंग अंडर द लॉग, द लॉग वॉज अबाउट दैट हाई, एट द एंड रेज अबाउट अ फुट आई कुड सी द स्क्विरल, आई किल द फर्स्ट वन। मैंने एक गिरेवी को वहाँ पर मारा, एक और आई थी वो भाग के कहीं और चली गई। अब उन्हें तीसरी गिलहरी चाहिए थी, और वहाँ पर जब भाई ब्रैनम कह रहे हैं आई लेवल डाउन पुट दोस क्रॉसर, वहाँ पर एक और स्क्विरल आ गई वहाँ पर करीब 40 यार्ड्स के ऊपर, एंड द स्क्विरल नेवर इवन गॉट एक्साइटेड, पुट अनदर, एक स्क्विरल आ गई। उन्होंने 1 स्क्विरल मांगी थी नॉर्थ से, तो उन्हें 1 स्क्विरल साउथ में दिखाई दे रही है। भाई ब्रैनम ने बंदूक उठाई और उसे मारा, मिस हो गई। सेकेंड टाइम बंदूक उठाई मारा, फिर मिस हो गई। थर्ड टाइम उठाई मारा, फिर मिस। भाई बहन ये क्या हो रहा है? उन्होंने फिर से गोली, तो सारे बंदूक में गोलियां ख़त्म हो गई थी। मैंने 100 भाई बहन बता रहे हैं मैंने करीब ये 3 के 3 शॉट मेरे हो गए थे, आई ओनली मिस 5। मैंने पहले समय में 500 से ऊपर गोलियां चलाई थी, उनमें सिर्फ 5 मिस हुए थे, आज 3 के 3 मेरी गोलियां मिस हो गई।
क्या हुआ, जस्ट इट कम टू मी, यू कान शूट दैट स्क्विरल दैट वे, ही वॉज टू कम फ्रॉम दैट वे. भाई बहनम ने कहा तुमने नॉर्थ से मांगी थी, ये स्क्विरल साउथ से आ रही है, तुम इसे नहीं मार सकते. देखिए प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु का कंट्रोल, प्रभु कैसे पावरफुल है, प्रभु कैसे इंटरेस्टेड है मुँह के बोले हुए वचन से. जिस डायरेक्शन में भाई बहनम ने मांगा, तीसरी स्क्विरल वहाँ से आई नहीं थी, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और वो मार रहे हैं, उनकी गोली मिस आउट हो रही है. क्यों हो रही है? आवाज़ आती है, तुमने इस डायरेक्शन में तो मांगी नहीं थी, तुमने तो दूसरे डायरेक्शन में मांगी थी, तुम्हारी स्क्विरल तो वहाँ से आएगी. ओ आई सेड आई जस्ट टर्न अराउंड दिस वे देन एंड वॉट नॉर्थ, और मैं नॉर्थ की तरफ मुड़ गया. आई पुट माय शेल्स इन द गन, मैंने गन में शेल डाली, इफ़ ही कम्स ही विल हैव टू बी ऑफुल क्लोज वगैरह वगैरह वगैरह. और भाई भाई बहन आरन भाई वहाँ पर आ गया और समथिंग सेड टू मी, आरन यू गोइंग टू गो अप देयर एंड गेट दैट स्क्विरल. मैंने उस स्क्विरल को मारी और वो स्क्विरल गिर गई, अंधेरा हो गया था और कुछ दिख नहीं रहा था. भाई किसी ने आवाज़ ने कहा क्या तुम ऊपर जाके आप वो स्क्विरल को लोगे नहीं? सो आई सेड हाउ आई कुड सी हिम नाउ विथ अ लिटिल टेलीस्कोप साइट, लिटिल बिटी फाइन टारगेट, हार्डली वहाँ कुछ दिख नहीं रहा था. भाई बहनों को अंधेरा हो गया था, उन्होंने मारी और स्क्विरल गिरी और अब उन्होंने सोचा अब मैं स्क्विरल को कैसे जा कर के लूँगा. आई वेंट देर, उन्होंने कह रहे हैं मैं आई स्टार्टेड वॉकिंग बैक और वहाँ से जाते जाते सम टाइम हैपन अबाउट 20 feet वहाँ से वो चले, थोड़ी देर वो दौड़े भी वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने देखा, बहुत ढूंढा उन्होंने, बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्हें वो पेड़ के एक लॉक था वहाँ पर, वहाँ पर उन्होंने हटाया लॉक को भी, थोड़ा गड्ढा उड्ढा भी खोदा उन्होंने, लेकिन वो स्क्विरल उन्हें नहीं मिली. अब उन्होंने कहा क्या करें, वो भाइयों के पास आ गए और उन्होंने कहा भाई वो स्क्विरल तो है लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई और वो मिली नहीं, अंधेरा हो गया है, अब हम कैसे उस स्क्विरल को ढूंढेंगे. और मैं वहाँ गया था और अब वहाँ पर शाम को ये लोग भाई टोनी जबेल वहाँ पर वो गए. व्हेन वी वेंट ओवर टू द एक भाई के घर चले गए, ब्रदर चार्ली के घर चले गए हम लोग. और वहाँ जाकर वहाँ पर भाई टोनी ने भाई चार्ली ने रिक्वेस्ट करी टोनी जबेल भाई से कि आप प्रार्थना करो. अब भाई प्रार्थना करते हैं, भाई इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी भाई ब्रहणम ने हमें कहा है कि उन्होंने एक स्क्विरल रह गई है जो मिली नहीं है, उन्होंने मारी है और वो पेड़ के स्टंप में चली गई है. जबकि भाई ब्रहणम ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, उन्होंने कहा था पता नहीं मुझे मिली नहीं, कहाँ चली गई, मैं ढूंढता रहा. अब ये भाई दुआ कर रहे हैं, भाई जबेल दुआ कर रहे हैं, प्रभु जी इन्होंने स्क्विरल मारी है और ये ट्री के स्टंप में, मतलब गड्ढे में, ट्री के बाजू में जो गड्ढा है उसमें ये गिलहरी चली गई है. प्रभु जी जब हम कल जाएं तो हमें वहाँ से ये गिलहरी मिले, इससे ये सिद्ध होगा कि भाई ब्रहणम ने सच बोला है. इस तरह की उस भाई ने प्रार्थना करी. इन शॉर्ट क्या हुआ, भाई ब्रहणम सोचते रहे इन्होंने ऐसी दुआ क्यों करी, मैंने तो कहा नहीं, मैंने तो ये सब कहा नहीं. अब कल सुबह हम जाएंगे और यदि उस स्टंप में पेड़ के गड्ढे में वहाँ यदि गिलहरी नहीं मिली तो ये कहेंगे भाई ब्रहणम ने झूठ बोला है, और ये विश्वास नहीं करेंगे भाई ब्रहणम बड़े कहेंगे अब क्या क्या होगा क्या नहीं होगा. अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये लोग वहाँ पे उठते हैं. भाई यहाँ पर देखे, आई वेंट ऑन समथिंग जस्ट ड्रोव मी ऑन एंड आई वेंट वॉकिंग अप थ्रू द वुड्स हंटिंग, आई कैप्ट थिंकिंग व्हाट इफ दैट स्क्विरल. अब नेक्स्ट डे वो ढूंढने गए वहाँ पर और मैं सोचने लगा प्रभु जी यदि वो स्क्विरल वहाँ पर नहीं हो तो अब क्या होगा. अब ये भाई ने तो ऐसी दुआ करी है कि यदि ये स्क्विरल वहाँ पर मिले तो ठीक है, नहीं तो ये होगा कि भाई ब्रहणम ने हमसे झूठ बोला है. प्रभु जी अब कैसे, क्या मैं क्या करूं. भाई ब्रहणम चले जा रहे हैं एंड समथिंग सेड टू मी इफ़ इट इज़ इन देयर और इफ़ इट इज़ इन देयर व्हाट मेक्स द डिफरेंस. किसी ने मुझे कहा यदि गिलहरी वहाँ हो या ना हो इससे क्या डिफरेंस होता. आई सेड ही वुडंट बिलीव मी, ही प्रेड एंड सेड दैट इफ यू फाइंड द स्क्विरल यू विल नो दैट आवर ब्रदर हैज़ टोल्ड अस द ट्रुथ. यदि गिलहरी मिली तो हम विश्वास करेंगे कि भाई ने हमें सच बोला है, अदरवाइज भाई ने हमें झूठ बोला. देखिए कितने प्रिसाइज हमारा खुदा है. एंड दैट ग्रेट अनॉइंटिंग कम एंड सेड. अब जब मैंने ये कहा कि भाई ने इस तरीके की प्रार्थना करी है और जब भाई बहनम उस गिलहरी को ढूंढने जा रहे हैं, एक महान अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आ गई. एक महान अनॉइंटिंग कम एंड सेड जस्ट से द स्क्विरल विल बी अप देयर एंड यू विल गेट हिम. कह दे
कि उस स्टंप में एक स्क्विरल होगी और वहां पे स्क्विरल होगी और मिलेगी। तू कह दे, देखिए हमारा खुदा कितना महान है। भाई बहनम कह रहे मैं कैसे प्रूफ करूंगा, इस भाई ने ऐसी दुआ क्यों करी है। प्रभु के सम्मुख क्या कुछ भी इम्पॉसिबल है? यदि गिलहरी कहीं और मरी होगी, खुदा उसको वहां ला देगा, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है। हमारा खुदा क्रिएटर है मेरे भाइयों बहनों, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ वो क्रिएटर कर देता है। तो क्या एक मरी हुई गिलहरी नहीं प्रोड्यूस कर सकता? हमारा खुदा प्रोड्यूस कर सकता। एंड आई थॉट श्योरली लॉर्ड श्योरली दिस विल बी द सेवन टाइम सेट वाइल दिस अनॉइंटिंग ऑफ मी। अब ये सातवीं बार इस प्रकार की अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आई है और उसने कहा कि कह दे और तेरे लिए हो जाएगा। ही सेड से व्हाट यू विल, और उस अनॉइंटिंग ने मुझे कहा बोल तू क्या चाहता है। एंड आई शैल फाइंड दैट I said, I shall find the squirrel, the anointing left me. मैंने कहा मेरे को वहाँ पर वो स्क्विरल मिल जाएगी। टू कट शॉर्ट, आगे जब भाई बहनम गए, इन्होंने वहाँ जाके पेड़ के स्टंप के नीचे वहीं पे उन्हें जहाँ उन्होंने कहा था पहले नहीं मिल रही थी, लेकिन पत्तियों को हटाया वहीं पर वो गिलहरी उन्हें मिल गई। और उन्होंने जाके भाइयों को बताया, भाई बहुत बड़े खुश हुए। और आई पिक्चर अप देर वॉज नो स्क्विरल देर, भाई बहन बता रहे हैं। फिर मैंने वहाँ पर ढूंढा और मुझे मिल गई। डाउन द हिल आई वेंट एंड टोल्ड देम अबाउट इट एंड वी रिजॉइस, और हम बहुत खुश हुए। एंड व्हेन आई केम टू द कार चार्ली स्टैंडिंग राइट देयर बैंक्स, भाई भी थे वहाँ पर, दे वर टॉकिंग, वाजंट दैट स्ट्रेंज, वो ये बात कर रहे थे भाई ये बहुत अद्भुत बात नहीं है दैट टोनी भाई ने ऐसी दुआ करी इन हिज प्रेयर एज वेल ही लव ब्रदर ब्रैनम। क्या हमारे भाई टोनी भाई इतना प्यार नहीं करते भाई ब्रैनम को, कि उन्होंने ऐसी दुआ क्यों करी कि यदि गिलहरी वहाँ नहीं मिली इसका मतलब भाई ब्रैनम ने सच नहीं बोला। सी ही जस्ट हैड टू से दैट, सी ही जस्ट हैड टू से इट दैट वे, फॉर गॉड न्यू आई वुड स्टैंड इन द पुलपिट दिस मॉर्निंग एंड क्लेम द सेम थिंग। क्योंकि हमारा खुदा जानता था, आज मैं जब प्रचार कर रहे हैं भाई बहनम कह रहे हैं खुदा जानता था क्यों उन्होंने ऐसी दुआ करी, क्योंकि खुदा को मालूम था मैं इस पुलपिट पे खड़ा होऊंगा और मैं इस बात का क्लेम करूंगा कि मुख से निकला हुआ वचन जो मैंने बोला वो पूरा हुआ और गिलहरी वहाँ पर मिली। खुदा जानता था और इसलिए उन्होंने, खुदा ने ऐसी प्रार्थना उस भाई से कराई। देखिए खुदा परफेक्ट कंट्रोल में रहता है। जो खुदा के लोग होते हैं, खुदा के दास होते हैं, उनके मुंह से व्यर्थ बातें नहीं निकलती। जो कुछ खुदा चाहता है, क्योंकि खुदा परफेक्ट कंट्रोल में रहता है, और जो कुछ वो चाहता है वो उनसे प्रार्थना करवाता है। खुदा के नाम की महिमा के लिए वो प्रार्थना हुई थी, वो गिलहरी बात थी नहीं, लेकिन जब सातवीं बार जब भाई बहनम के ऊपर वो अनॉइंटिंग आई कि स्पीक द स्क्विरल, और जब उन्होंने स्क्विरल को बोला कि वो पेड़ के स्टंप में वहाँ पर मिल जाए और वहाँ पर उन्हें वो स्क्विरल मिल गई, ये खुदा की महिमा के लिए से। आई थॉट प्रेज बी टू गॉड, वी वेंट डाउन, वी हैड अ ग्रेट टाइम, कम होम, बहुत खुशी खुशी चले आ रहे थे। उसके बाद सारे के सारे सिस्टर हैटी राइट के घर में गए, मैं पढ़ूंगा नहीं, सारे के सारे वहाँ पर गए, सिस्टर हैटी राइट के घर के वहाँ पर गए, और जब वहाँ पर वो बता रहे थे, हम सब जानते हैं ये किस्से को। एंड व्हेन वी वर टॉकिंग आई से इफ द लॉर्ड शोड मी अ विजन, और जब मैं ये सारी घटना सिस्टर हैटी राइट के घर में जब सारे बैठे हुए थे, भाई बैंकफुट वगैरह और भाई लोग, भाई भी बैठे हुए, राइट भाई भी बैठे हुए, सब बैठे हुए, और हम इन घटना को हम बता रहे थे, तब मैंने कहा एंड देन वाइल वी वर टॉकिंग आई से इफ द लॉर्ड शोड मी अ विजन दैट समथिंग वॉज टू टेक प्लेस, देन आई वुड से इट दैट वॉट रेजेज माई फेथ। मैंने कहा खुदा जब मुझे विजन बताए और मैं जब उस विजन के बाद को बताऊँ जो खुदा बताता है, तो मेरा विश्वास बढ़ता है। आई सेड व्हेन द लॉर्ड शोज मी व्हाट विल टेक प्लेस देन आई गॉट कॉन्फिडेंस, जब खुदा मुझे बताता है कि क्या होने वाला है, हा? और मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि ऐसा ही होगा। व्हेन ही शोड मी आई सेड आई कम राइट देयर इफ दैट लिटिल अफेक्ट, भाई ब्रैनम कह रहे हैं कि उनकी जो बहन है सिस्टर एडिट, ये इनके लिए हमने काफ़ी प्रार्थना करी, बहुत दुआ करी, लेकिन खुदा ने प्रार्थना को नहीं सुना। और खुदा यदि भाई बहनम का विजन में दिखा दे तो मैं कहूँगा सिस्टर एडिट से दस सेट द लॉर्ड गेट अप एंड वॉक, लेकिन खुदा ने आज तक मुझे ऐसा विजन कोई नहीं दिया। हमने बहुत प्रार्थनाएं करी सिस्टर एडिट के लिए, वो चंगाई नहीं हुई, सारी की सारी सिस्टर एडिट भी बैठी हुई हैं, सब वहाँ पर बैठे हुए हैं। नाउ लिसन डोंट मिस दिस, शो यू द सॉवरनिटी ऑफ गॉड, खुदा की सॉवरनिटी, खुदा कैसा हमारा महान है, कैसा एक ही हमारा
खुदा है, सारी सामर्थ, सारी शक्ति, सारी पावर उसी के पास है। भाई बहनम कह रहे, अब मैं क्या कह रहा हूँ, आई एंड वाइल वी वे टॉकिंग आई सेड आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। मैं अब आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, वॉट पुट दो स्क्विरल देयर, किसने उन स्क्विरल्स को वहाँ लाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देयर इज़ नो स्क्विरल इन द वुड्स, आई हंटेड एंड हंटेड एंड आई एम नॉट द बेस्ट ऑफ हंटर बट आई हंटेड सिंस आई वॉज लिटिल बॉय। उस समय स्क्विरल का सीजन नहीं था। किसने उस समय जब मैंने कहा स्क्विरल यहाँ आ जाए, स्क्विरल यहाँ आ जाए, स्क्विरल यहाँ आ जाए, तो किसने उन स्क्विरल को वहाँ ले करके आया? आई सेड आई वंडर इफ इट इज दैट माई मिनिस्ट्री फिक्सिंग टू टेक ए चेंज एंड द गॉड ऑफ अब्राहम इज कन्फर्मिंग हिज प्रॉमिस। मैंने सोचा मेरी मिनिस्ट्री चेंज हो रही है और खुदा अपने प्रॉमिस को, खुदा का अब्राहम का खुदा अपने प्रॉमिस को कन्फर्म करना है। एज ही डिड टू अब्राहम वेन ही वॉज अप ऑन द माउंट ऑफ टॉप ऑफ द माउंट एंड ही नीडेड अ सेक्रीफाइस, जैसे अब्राहम को एक सेक्रीफाइस की जरूरत थी, फॉर इंस्टेड ऑफ हिज सन यहोवा यिरे परफॉर्म्ड ए मिरेकल। यहोवा यिरे ने एक मिरेकल परफॉर्म किया। जब इब्राहिम को इजाक की संति एक मेड़े की जरूरत थी, खुदा ने उस पहाड़ के ऊपर एक मेड़ा प्रोवाइड किया। खुदा ने मुझे स्क्विरल की जरूरत थी, खुदा ने स्क्विरल क्रिएट किया। क्या खुदा मेरी मिनिस्ट्री को चेंज कर रहा है? ही वॉज देयर थ्री डेज जर्नी। भाई बहनम बता रहे हैं कि वो तीन दिन की जर्नी पे गए वगैरह वगैरह, पानी नहीं था ये वगैरह था, और करीब 100-150 मील वो चले होंगे। God needed a sacrifice to prove to Abraham that he was Jehovah Jireh. खुदा को एक sacrifice चाहिए थी। The very God of creation spoke a ram into existence. वही खुदा जो creator है उसने वहाँ पर एक ram, एक मेड़े को वहाँ पर बोला। Now it wasn't a vision. He killed the ram. ये कोई vision नहीं था, actual ram था वहाँ पर, जिसे Abraham ने लिया और उसे मारा, और इसहाक की संति उसको बलिदान वहाँ पर किया। ब्लड केम आउट ऑफ दैट एनिमल, उस एनिमल से लहू निकला। इट वॉजेंट ए विजन, इट वॉज अ रैम। आई सेड द सेम गॉड, हालेलुया, सेम गॉड। मैंने कहा वही खुदा, दैट यहोवा यिरे, ही जस्ट एज मच यहोवा यिरे टुडे, आज भी वो यहोवा यिरे है, जैसे वो इब्राहिम के समय में था, आज भी वो यहोवा यिरे, आज भी वही यहोवा यिरे है। ही वॉज ऑन द माउंट विद इब्राहिम, आज भी वही खुदा हमारे साथ यहोवा यिरे है। ही कैन स्टिल प्रोड्यूस एन एनिमल टू हिज ग्लोरी, वो अभी भी किसी एनिमल को प्रोड्यूस कर सकता है उसकी महिमा के लिए। दिस स्क्विरल वॉज नॉट ए विजन, ये स्क्विरल जो आए ये विजन नहीं था। आई शॉट देम, ब्लड केम आउट देम, आई ड्रेस देम एंड एट देम, दे वॉजन विजन, दे वर स्क्विरल, और ये विजन नहीं था। ये मैंने उनको मारा, हमने उनको पकाया, हमने उनको खाया। आई सेड द सेम यहोवा यिरे ट्राइंग टू गेट हिज प्रॉमिस ओवर टू मी, वही खुदा यहोवा यिरे अपने प्रॉमिस को मेरे ऊपर पूरा कर रहा है। इन माई थिकनेस, इन माई डलनेस ऑफ माइंड, मेरे वो कहते हैं ना खोट बुद्धि, मेरे उसके अंदर खुदा प्रूफ करना चाह रहा है। ही कुड स्पीक माई नीड इन टू एग्जिस्टेंस, वो मेरी ज़रूरतों को बोल सकता है एग्जिस्टेंस के अंदर। मेरे भाइयों बहनों, जब वो प्रॉफिट की एग्जिस्टेंस को बोल सकता है, अब्राहम की ज़रूरतों को एग्जिस्टेंस में बोल सकता है, तो मेरी और आपकी ज़रूरतों को एग्जिस्टेंस में क्यों नहीं बोल सकता है? वही खुदा है, वही यिरे खुदा है, वही यहोवा हमारा खुदा कल आज युगान एक सा है। ही कैन डू द सेम थिंग, द सेम एज ही कुड स्पीक अब्राहम्स नीड इन टू एग्जिस्टेंस, वही खुदा जो अब्राहम की ज़रूरतों को एग्जिस्टेंस में ला सकता है, वही खुदा मेरा और आपका भी है मेरे भाई बहनों, वही हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। एंड नो मोर देन सेड दैट सिस्टर हेट्टी सिटिंग देयर क्राइंग नाउ हैडन्ट सेड अ वर्ड एंड शी सेड दैट्स नथिंग बट द ट्रूथ। सिस्टर हेट्टी वहाँ बैठी हुई थी, किसी की ओर से ये आवाज़ नहीं निकली, सब सुन रहे थे सब लोग, लेकिन वहाँ पर एक बहन बैठी हुई थी, उसने कहा भाई बहनम दिस इज नथिंग बट द ट्रूथ। भाई बहनम ये सच है, बिल्कुल सच है, हमारा खुदा यहोवा यिरे है, वो हमारी हर जरूरतों को पूरा कर सकता है। हमारा खुदा कल आज युगानु एकता है, जैसे उसने अब्राहम को मेड़ा दिया, वही खुदा आपको भी स्क्विरल दे सकता है। और जब भाई बहनम को उसने स्क्विरल दी, तो मेरे भाइयों बहनों हमारी ज़रूरतें आज जो भी होंगी वो जरूर पूरा करेंगे, वो हमें भी देंगे। आज हमें रैप्चर की ज़रूरत है, तो क्या खुदा हमारा रैप्चर नहीं देगा? हमें और
रैप्चर देगा। सबसे बड़ी जरूरत आज हमें बॉडी चेंज की है, आज हमें रैप्चर में जाने की है, आज हमें वो सेकंड राइड में जाने की है। जब खुदा वो कर सकता है तो क्या ये नहीं करेगा? अवश्य मेरे और आपके लिए करेगा, क्योंकि वही खुदा है। हम उसी खुदा की वर्शिप करते हैं, उसी खुदा की हम आराधना करते हैं। वो आज हमारे बीच में उपस्थित है मेरे भाइयों बहनों। और जैसे सिस्टर हैटी राइट ने ये कहा, शी सेड द राइट थिंग, शी सेड जस्ट एंड दैट सुपर अनॉइंटिंग स्वेप्ट ओवर मी, सेड टेल सिस्टर हैटी दैट शी फाउंड ग्रेस इन द साइट ऑफ गॉड। वो सुपर अनॉइंटिंग आई और उन्होंने कहा, सिस्टर हैटी को बोलो यू फाइंड ग्रेस। और जिसको ग्रेस मिल जाती है वो बच जाता है। नोआ को भी ग्रेस मिली थी, एक दिन समय था, सारी पृथ्वी बर्बाद होने वाली थी, लेकिन नूह को खुदा की ग्रेस मिली। मेरे भाइयों बहनों, आज सारी पृथ्वी बर्बादी की ओर खड़ी हुई है, लेकिन दिस ग्रुप हैज फाउंड द ग्रेस। आज हमें ग्रेस मिला है। ये सिस्टर हैटी राइट को दिखा रहा है कि भाई बहन, दिस इज द ट्रुथ एंड नथिंग बट द ट्रुथ। खुदा के मुख से निकला हुआ वचन सच्चा है। यहाँ पे बैठी हुई है सिस्टर हैटी राइट, जिसे ग्रेस मिली है। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिसे ग्रेस मिल जाए। ओ माय गॉड, सब कुछ मिल गया उसको। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और एंड सुपर अनॉइंटिंग सेप्ट ओवर मी, टेल शी हैज फाउंड ग्रेस इन द साइट ऑफ गॉड। हु वुड हैव थॉट सेड, टेल हर टू आस्क व्हाट एवर शी विल। अब आत्मा ने कहा भाई ब्रह्म से, उससे पूछो तुम्हें क्या चाहिए, जो कुछ भी तुम मांगोगी वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हम सब जानते हैं सिस्टर हैटी ने पैसा नहीं मांगा, सिस्टर हैटी ने अपनी बहन की चंगाई को नहीं मांगा। सिस्टर हैटी ने कहा, उस समय उसके दो बेटे थे, हंस रहे थे, और उन्हें कहा भाई ब्रहनम, मैं मेरे इन बच्चों का उद्धार चाहती हूँ, इन दो बच्चों का उद्धार चाहती हूँ। एक माँ को देखिए, माँ के दिल की इच्छा को देखिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे पैसा नहीं चाहिए, उसे चंगाई नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? अपने घराने का उद्धार, अपने बच्चों का उद्धार, अपने पति का उद्धार। एक स्त्री के दिल में ये बात आई, मुझे भाई बहनम इनका उद्धार चाहिए। एंड आई सेड बाय द विल ऑफ गॉड, बाय द पावर ऑफ गॉड आई गिव यू। यहाँ पे खुदा नहीं कह रहा, खुदा के भाई बहनम ये नहीं कहा गॉड गिव यू, भाई बहनम कहते हैं आई गिव यू, क्योंकि खुदा ने सामर्थ दी है कि जो कुछ तू बोलेगा वो हो जाएगा। भाई बहन हम ये नहीं कहते अच्छा चलिए हम दुआ करते हैं, चलिए हम इनके सेल्वेशन की प्रार्थना करते हैं, आइए हम प्रभु के साथ बैठे, भाई बैंक स्पोर्ट आ जाइए, भाई सब जो हमारे पास आ जाइए, हम लोग प्रार्थना करते हैं। भाई बहन हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। भाई बहन हमने कहा बाय द विल ऑफ गॉड द पावर ऑफ गॉड आई गिव यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट योर डिज़ायर। मैं तुम्हारे मन की इच्छा को मैं यीशु मसीह के नाम से देता हूँ। मेरे भाइयों बहनों, हमारी पोजीशन को आज पहचानिए, खुदा ने हमें कहाँ रखा है। इसलिए वो पत्रस को कहते हैं, मैं स्वर्ग के राज की कुंजी तुझे देता हूँ, जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग पे खुलेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग पे बांधेगा। ये सामर्थ खुदा ने अपनी ब्राइड को दी हुई है, ये सामर्थ खुदा ने अपने बच्चों को दी है। भाई बहन हम कहते हैं आई गिव द सेल्वेशन, खुदा नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ, क्योंकि खुदा मेरे अंदर है। वही खुदा आज हमारे यहाँ पर है प्रभु जी, वही खुदा आज यहाँ पर है। एक देह के अंदर आता है और देह को इस्तेमाल करता है। मेरे भाइयों बहनों, वो समय होता है, अपने मन में की इच्छाएं मांग लीजिए। प्रभु जहाँ यहाँ पर उपस्थित है, आप मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए वो प्रभु आपको अवश्य देगा, क्योंकि वही खुदा जो अब्राहम का खुदा था, वही खुदा जो प्रॉफिट ब्रैनहम का खुदा था, वही खुदा आज भी हमारा खुदा है, आज भी वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और प्रॉफिट कहते हैं आई गिव यू, और दोनों के दोनों बच्चे एकदम से आकर के घुटने, एन हैटी स्क्रीम, और वो पावर ऑफ गॉड एंड द होल बिल्डिंग ट्रेम्बल, बहुत जोरों से वो बिल्डिंग शेक हुई, दोनों बच्चे गिर पड़े, उन्होंने अपने जीवन को रोने लगे, और एक बड़ी शेकिंग उस बिल्डिंग के ऊपर। वो भाई बहन हमने कहा ऐसी शेकिंग मैंने नहीं देखी थी, ऐसी शेकिंग मैंने जब 30,000 लोगों ने अफ्रीका के अंदर जब अपने जीवन को प्रभु को दिया था, और बहुत बड़ी शेकिंग वहाँ हुई थी, उससे बड़ी शेकिंग मैंने सिस्टर हैटी के घर में देखी। बिल्डिंग पूरी हिल गई, दूर दूर तक सिस्टर हैटी की चीख की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरे भाइयों बहनों, जहाँ पवित्र आत्मा उतरता है खामोशी नहीं रहती है, जहाँ पवित्र आत्मा उतरता है वहाँ पे नॉइज होती है, वहाँ पे चिल्लाहट होती है, वहाँ पे चिल्लाना होता है, वहाँ पे चीखना होता है, वहाँ पे खुदा की तारीफ होती है, वहाँ पे खुदा की महिमा होती है, वहाँ पे खुदा की सामर्थ उतरती है, वहाँ पे
मुर्दे नहीं होते मेरे भाइयों बहनों, जहाँ पवित्र आत्मा होता है सारे जीवित होते हैं वहाँ पर। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्डिंग वहाँ पर हिल गई, फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर यूज ऑन अ ह्यूमन बीइंग, पहली बार खुदा ने इस गिफ्ट को ह्यूमन बीइंग के ऊपर इस्तेमाल किया। आस वॉट यूल सेल्फ गिवन टू का वो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर अब हम देखें इफ यहाँ पे भाई बहन हम कह रहे हैं इफ ही कैन ब्रिंग अ रैम इन टू एग्जिस्टेंस वेन देर इज नो रैम, जहाँ पे रैम नहीं है खुदा मेड़ा ला सकता है। इफ ही कैन ब्रिंग एनिमल्स इन टू एग्जिस्टेंस, जो स्क्विरल क्रिएट कर सकते हैं। इफ ही इज कंसर्न अबाउट अ लिटिल फिग ट्री, और एक अंजीर के पेड़ के लिए खुदा इतने चिंतित हैं, और एक मछली के लिए जो मरी हुई है आधे घंटे तक मरी हुई है उसके लिए इतने चिंतित हैं, हाउ मच मोर डज ही नो योर डिज़ायर। खुदा आपके डिज़ायर को इससे ज़्यादा क्यों ना जानेगा। वो जब वो एक मछली के लिए चिंतित हो सकते हैं, उस जानवरों के लिए चिंतित हो सकते हैं, तो मेरे और आपके डिज़ायर्स के लिए खुदा चिंतित क्यों ना होंगे। एंड यू विल ही नोज दैट यू नीड हिम, आस्क एंड यू विल रिसीव। When you pray, believe that you receive. And you ask for what was the Holy Spirit that raised your hand. If it was then the anointing is on you, then pray and believe God and you shall have what you say. Jo kuch bhi tum Prabhu se mangoge aur prarthna karoge aur vishwas karoge, wo tumhare liye ho jayega. Hamara Khuda janwaron ke liye chintit hai, machli ke liye chintit hai, itne choti choti cheezon ke liye chintit hai. Mere bhaiyo behno, hamara moolya to bahut bada hai. Jab Khuda कहता है दो दमड़ी की पांच गौरैयाँ बिकती हैं और एक भी मेरी आज्ञा के बिना नहीं गिर सकती, तो हमारा कितना वैल्यू खुदा के सामने है मेरे भाइयों बहनों। छोटी छोटी चीज़ खुदा की आज्ञा से के बिना नहीं गिर सकती, तो हमारा और आपका मूल्य कितना बड़ा है मेरे भाइयों बहनों। हमें रियलाइज़ करना है, हमें देखने का है। नाउ आई एम श्योर यू ऑल कुड सी वॉट इट इज़, इट इज़ द कमिंग ऑफ अ ग्रेटर डीपर अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं भाई बहन हम कह रहे हैं, अब आप जानते हो, इट्स द कमिंग ऑफ द डीपर अनॉइंटिंग ऑफ द होली गोस्ट। जो पवित्र आत्मा का गहन अभिषेक आता है तब ये चीज़ें हो जाती हैं। हाउ टू गेट इन टू इट आई डोंट नो, भाई बहन हम कह रहे हैं कैसे इस डीप अनॉइंटिंग के अंदर, कैसे इस पवित्र आत्मा के अभिषेक के अंदर उतरा जाता है, कैसे मुझे नहीं मालूम कैसे जाते हैं, आई डोंट नो। ओनली थिंग आई नो इट टेक्स गॉड टू पुट यू इन टू इट। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ ये खुदा है जो तुम्हें इस महान अनॉइंटिंग में लाते हैं। खुदा के बिना हम अनॉइंटिंग में नहीं आ सकते, हम इमिटेशन नहीं कर सकते, इमिटेशन नहीं कर सकते। खुदा है जो अनॉइंटिंग लाता है। सो जस्ट लिव एज स्वीट एंड हम्बल, और इसलिए भाई बहन हम कह रहे हैं सो जस्ट लिव एज स्वीट, जैसे मधुर रीति से प्रेम से रहिए एंड हम्बल, नम्रता के साथ रहिए एंड क्लोज टू गॉड, और खुदा के नज़दीक रहिए एज यू कैन, जितना खुदा के नज़दीक रह सकते हैं उतना रहिए, जितना प्रार्थना कर सकते हैं उतना प्रार्थना करिए, जितने उपवास रख सकते हैं उतना उपवास रखिए। भाई तीन दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, वो भी बात है भाई, प्रॉफिट ने बताया, लेकिन जितना ज़्यादा ज़्यादा हम प्रार्थना में अपना जीवन बिता सकते हैं, जितना से ज़्यादा ज़्यादा हम उपवास और प्रार्थना कर सकते हैं हमें करना चाहिए, उसमें रहना चाहिए। डोंट डाउट हिम, खुदा को कभी डाउट नहीं करना कि अब ये कैसे है। खुदा के सामने कुछ भी असंभव है। जब मैंने कहा सब कुछ असंभव है, खुदा ने कहा असंभव को संभव करने वाला खुदा तेरे साथ है। जब वो खुदा जो असंभव को संभव करता है मेरे साथ है, आपके साथ है, तो कैसे कुछ भी हमारे लिए असंभव हो सकता है। जस्ट बिलीव, ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। जस्ट बिलीव दैट एवरीथिंग इज वर्किंग जस्ट टू द गुड फॉर यू। सब ये विश्वास करिए कि हर चीज़ आपके लिए अच्छी चल रही है, अच्छा सब कुछ हो रहा है। एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट, विल वर्क राउंड ऑल राइट। सब कुछ हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा। ओ ब्रदर एंड सिस्टर, डू यू रियलाइज द डे वी आर लिविंग इन द मोस्ट ग्लोरियस टाइम। भाइयों बहनों आप रियलाइज़ करते हैं हम किस समय में इस समय रह रहे हैं। बहुत महान ग्लोरियस महान समय है। कई लोगों ने चाहा था इस समय
में रहे, इस युग में रहे, लेकिन वो नहीं रहे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु ने हमें इस युग में रखा है। व्हाट ए ग्लोरियस टाइम व्हेन गॉड ऑफ हेवन विल पुट अमंगस्ट ह्यूमन बीइंग। जब इस युग में हम रह रहे हैं, जब भाई बहनम कह रहे हैं, जब इस युग में गॉड ऑफ हेवन स्वर्ग का खुदा विल पुट इन द ह्यूमन बीइंग इंसानों के अंदर ये बात को डालेगा, आस्क एनीथिंग यू विल एंड ही विल गिव इट टू यू। हम उस समय में रह रहे हैं जब ये वचन खुदा अपने लोगों में डालेगा कि आस्क एनीथिंग व्हाट यू विल एंड इट विल बी गिवन टू यू। जब खुदा इस बात को, हम इस युग में रह रहे हैं, अब ये समय आ गया है। वो दृष्टांत 2000 साल पहले यीशु मसीह ने कहा, भाई ब्रैनम के समय में वो पूरा हुआ, लेकिन आज ये हम इस समय में अब रह रहे हैं, ये माइटीली बहुत आज से ये पूरा होने वाला है कि हम बोलेंगे और वो चीज़ हो जाएगी। खुदा ये समय ला रहा है क्योंकि वो जानता है उसके बच्चे उल्टी सीधे नहीं मांगेंगे, वो एरोप्लेन नहीं मांगेंगे, कोई नहीं, वो तो मांगेंगे स्पिरिचुअल चीज़ है। हमें धन दौलत संसार की नहीं चाहिए, अब हमें तो चाहिए बॉडी चेंज एंड रैप्चर। हम तो यही चाहते हैं अब वो नए हेवन और नए आकाश में हम उनके साथ इटर्निटी व्यतीत करें, अब हमारी तो इच्छा यही होगी। और वो जानता है इज टू डीप फॉर माई माइंड, इज टू डीप फॉर माई माइंड, आई नो दैट। भाई बहन हम कह रहे हैं ये बहुत गहरी बात है, ये आसान बात नहीं है, हमने पढ़ के चले गए कि जो कुछ भी तुम कहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, ये बहुत गहरी बात है और बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों बहनों। आई नो दैट बट आई होप इन माई हार्ट कैन कंटेन एज मच ऑफ इट एज आई कैन, मैं जानता हूँ जितना मैं दिल में रख सकता हूँ। इट्स जस्ट आई हैव लिव्ड ऑन इट, मैं इस बात के ऊपर अभी तक जीवित रहा हूँ। आई हैव स्ट्राइव्ड ऑन इट, मैंने उसके ऊपर पकड़ा है उन बातों को कि जो कुछ हम कहेंगे मुख से वो पूरा हो जाएगा। आई एम गोइंग वेस्टवर्ड ऑन इट, मैं वेस्टवर्ड जा रहा हूँ। आई एम एंटरिंग मीटिंग्स ऑन इट, और मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। तो हमारा भी पास्टर भाई मीटिंग्स में जा रहे हैं, ये सारी बातें हो रही हैं और एक फेज आ रहा है, कंटिन्यूस मीटिंग का फेज आ रहा है। पूरे जून, पूरे मई के अंदर मीटिंग जा रही है, जून के अंदर भी मीटिंग वहाँ पर स्पिल ओवर हो रही है। एक फेज आ रहा है, क्या जाने ये आखिरी मीटिंग जो, क्या जाने हमारे भाई का ये आखिरी मौका हो वहाँ जा, हम नहीं जानते, ये खुदा के हाथ में है, लेकिन खुदा इसे कर रहा है। आई एम एंटरिंग इनटू मीटिंग्स ऑन इट, आई एम लिविंग ऑन इट, गॉड्स वर्ड इज राइट। खुदा का वचन सच्चा है, खुदा कभी झूठ नहीं बोलता, उन्होंने जो कहा वो सच्चा है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। मैं पास्टर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा। प्रभु यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद, बहुत ही प्यारे मौके के संदेश के लिए। जो आपकी डिज़ायर्स हैं खुदा उन से मुजस्सम करेंगे। वो वक्त आएगा कि वो इंसानी जाति से कहें कि तुम मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप सच में महान हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमारी समझ बहुत नीची है उस समझ के सामने जो आपकी है। हम वो नहीं सोच पाते जो आप सोचते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, अनादिकाल से अनादिकाल तक विराजने वाले हमारे इकलौते खुदा पुरुषोत्तम शिरोमणि, सृजनहार पालनहार तारणहार, रोगियों का जो शोक करते हैं एक ही आधार, आपका धन्यवाद, आपके नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो। खुदावन प्रभु यीशु मसीह सच है, आपने तो चट्टान में से पानी निकाल लिया, लाल समुंदर को फाड़ के एक रास्ता बना दिया, हवा से चिड़ियाएं गिराई कि अपनी प्रजा को खाना खिलाएं, आसमान से मन्ना गिराया। आप कुछ भी कर सकते हैं,
आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। आप रंक को राजा और राजा को रंक बना देते हैं। डैनियल की पुस्तक में लिखा है, जो समयों और कालों को बदल देता है, जो राजाओं को और राष्ट्रों को उठाता है और राज्यों को गिरा देता है। आप इकलौते खुदा हैं। लेकिन आज इससे बढ़िया धन्यवाद एक और राधा मैं कहूंगा, इससे एक और बात है खुदावन, धन्यवाद का विषय कि आप हमारे पिता हैं और हम आपकी प्रजा हैं। और धन्यवाद हो खुदावन कि आपने अपने बच्चों के लिए ये वायदा रखा मरकुस 11 में, जो तुम चाहो बोलो और तुम्हारे लिए हो जाएगा, और दुआ में जो मांगो तुम्हारे लिए कर दिया जाएगा। आज हम खुदावन धन्यवाद देते हैं कि भाई ब्रनम की जब नई सेवकाई का चरण शुरू हुआ, किस रीति से ये वायदा पूरा हुआ उस जीवन में, जब गिलहरियां सिरजी गईं, जब मरी मछली जिंदा हुई, द सिस्टर ब्रनम के घर में उनके दोनों बेटों को उद्धार मिला। ओ खुदावन, कुछ थे जिन्होंने उस मिनिस्ट्री को रीप किया अपने जीवन में और उसके बेनिफिशरीज बने। आज वो वक्त आ चुका है लॉर्ड कि एक बार फिर वो सेवकाई उठे और कुछ लोग हों जो उसके बेनिफिशरीज बने, कि यहां से उस सेवकाई का बेनिफिट पाके आपके साथ यहां से जा सके। आपसे विनती और प्रार्थना है, इस संदेश को दोबारा पढ़ने का और उस पर मनन करने का फजल दें। दुआ है खुदावन ये सिद्ध विश्वास, ये न्यू मिनिस्ट्री का मैसेज और खुदावन ये मरकुस 11 का वायदा, जो कि कुछ नहीं वरन हकीकत है, हमारे जीवनों में भी पूरा हो। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम मुबारक हो। आप ही का रहम है जो उस गहन अभिषेक में डालता है। मेरी दुआ है प्रभु जी कि आप मुझे तैयारी दें, हमारे भाई बहनों को तैयारी दें कि उस गहन अभिषेक में हम प्रवेश करने पाए। सारे आदर महिमा के योग आप ही हैं। आपका नाम मुबारक हो और आपके नाम की जय हो, स्तुति तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह, शाम की मीटिंग पे भी आपकी बड़ी बरकत हो और आगामी सप्ताह में जो हम जाते हैं आंध्र और तेलंगाना, आप उन सभाओं में बड़ी मदद करें। दिल्ली में जो हमारे भाई लोग रह जाते हैं, बहनें, और मीटिंग्स होती हैं, उसमें बड़ी मदद करें। पूरी कलीसिया को आपके लहू के बाड़े में बांधते हैं। ये सच है जैसा भाई ने कहा, हो सकता है कि आंध्रा में जाने का ये एक लास्ट सीरीज हो, या वैसे भी मीटिंग्स की लास्ट सीरीज हो, क्या पता अब रैप्चर आ ही गया और अब हम रैप्चर में जाने वाले हों, क्योंकि समय तो प्रभु यही कहता है, आप हमें तैयारी दें। हम इंतजारी में हैं, हम जानते हैं कि कुछ होने वाला है, आप हमें तैयारी बख्शें। सारे आदर महिमा के योग आप, वरना ऐसे संदेश आप ना बुलवाएं। आपका नाम मुबारक हो। ये आपकी आवाज थी जो नबी से कहती थी, जो मरकुस 11 को स्मरण करा रही थी, वही आवाज आज सुबह इस भवन में आई, जो मुझे और मेरे भाई बहनों को मरकुस 11 फिर से स्मरण करा रही है। क्यों करा रही है? कारण यह है कि अब कुछ होने वाला है। आपका धन्यवाद हो। अब वो गहन अभिषेक जिसको कि हम नहीं जानते, नबी ने समझाया कि उसमें कैसे प्रवेश किया जाए, लेकिन बस वो आता है। एक तो खुदा ही चाहिए कि वो उसमें किसी को डाल दे। हे प्रभु, हम उसके दर्शनाभिलाषी हैं। हम चाहते हैं कि उस गहन अभिषेक में मैं, मेरे भाई बहन प्रवेश करें। आपका नाम मुबारक हो। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत महान हैं। आपकी शफ़क़त अबदी है और आपकी रहमत पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। सच है खुदावन, आपका ही रहम है और कोई हमारे बड़े अच्छे काम नहीं किया हमने उद्धार पाया। उस गधे के समान जिसकी आंखें भेड़ी, जिसकी टांगें जुड़ी हुई, जिसके घुटने लड़ते थे, लेकिन उसकी मां ने उससे कहा, तेरे पास एक कुर्बानी है। धन्यवाद ओ खुदावन, जब हम अपने जीवनों को जांचें तो निरी त्रुटियां हमारे जीवनों में हैं, लेकिन धन्यवाद हो आपका लहू हमारे लिए काफी है। आप हमारी सिद्ध कुर्बानी हमारे लिए हैं, जिसके नीचे आज हम कबूल करते हैं कि हम सिद्ध हैं और ये सिद्धता आपकी ओर से हमें मिली। आपका नाम मुबारक हो और आपके नाम की जय हो, स्तुति हो और तारीफ हो।
हम जय जयकार करेंगे, हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम उस कुर्बानी में यहोवा का धन्यवाद करेंगे। जैसा बाइबल फरमाती है, पूरब से पश्चिम दूर है उतने ही दूर आपने हमारे गुनाहों को कर दिया है। आए मेरे मान, तू यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है तू यहोवा को धन्य कहे। हमारे पास हजारों कारण है आज कि हम आपका अपना मुंह खोलें और आपका धन्यवाद दें, हालेलुया बोलें, आमीन बोलें, आपकी तारीफ करें और आपकी तमजीद करें। यह की स्तुति करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद 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 धन्यवाद, आपके नाम को धन्यवाद। हमारा मस्तिष्क आपके सामने झुकता है प्रभु, हमारे आधार, हमारे जीवन के आधार, सृजनहार, मार्ग पैदा करने वाले, हमारे दृष्टि, हमारे गाइड, हमारा छुटकारा करने वाले प्रभु, हमारे निकट कुटुंबी, उद्धार करता, सृजनहार, पराक्रमी, प्रतापी राजा, आपका नाम मुबारक हो। हम आप पे गर्व करेंगे, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुंदर में डाल दिया है। यहोवा योद्धा है, यहोवा पराक्रमी है, यहोवा महान है, यहोवा स्तुति के योग्य है। यह की स्तुति करो, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन आपने मृत्यु पे जय की ध्वनि सुनाई, सारे स्वर्गलोक और नरक और अधोलोक के फाटक पे आप प्रबल हुए। आप महान हैं, आप चैंपियंस ऑफ चैंपियन हैं, आप पराक्रमी योद्धा हैं, आपके तुल्य कोई और नहीं, आप अतुल्य हैं। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो, सर्वदा होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद, लाखों करोड़ों में से उदाहरण, ये छोटी बात नहीं, ऐसे अरबों घूम रहे हैं आज दुनिया में सड़क छाप, जिनके पास कोई रेवलेशन नहीं कि आज एक एलिया आया, हवा नहीं कि खुदा कौन है, आंखें नहीं खुली, क्या ये बड़ी करुणा नहीं हुई हम पर प्रभु, हमारी आंखें खोल दी। 10 लाख में जब आपने एक चुना, तो उस चुनाव में हम पाए गए, हम आपकी चॉइस हैं, हमें आपका फेवर मिला लॉर्ड, हमारे नाम को आपने बदला, हमें याकूब से इसराइल आपने बनाया, हमें विक्ट्री आपने दी। ये सच है, हमारे जीवन में 10 बुरे काम थे और दुनिया के पास मुंह फाड़ने के लिए बहुत कुछ था, ये तो ये है, ये तो ये है, लेकिन पल भर में आपके लहू के द्वारा आपने हमें धो डाला, श्वेत बनाया, सिद्ध बनाया। आपका धन्यवाद, आपकी कुर्बानी का धन्यवाद। हमारा सिर झुकता है, ओ खुदावन मैं स्मरण करता हूं कैसे जब बलाम ने चाहा कि आपकी प्रजा को श्राप दे बलाक के कहने पर, तब पिसगा की चोटी से जब उसने देखा, भाई ब्रनम ने कहा वो भूल गए कि हाँ उनका एक बैकवर्ड पार्ट है, हाँ उनका एक पिछवाड़ा हिस्सा है, लेकिन उनके पास एक पीटी चट्टान है, उनके पास एक मेमना है, उनके पास एक पीतल का सांप है, उनके पास अटोनमेंट है। आज हम धन्यवाद देते हैं, हमारे पास अटोनमेंट है, हमारे पास टोकन है, कुर्बानी है। आपका धन्यवाद धन्यवाद। जब आवाज बात कर रही थी हमारे नबी से, तो बात अटोनमेंट से ही शुरू हुई, और यह समझाया गया स्पष्ट शब्दों में कि बोलना और हो जाना अटोनमेंट के नीचे है। और तब नबी ने कहा, जब बैलों बकरों के लहू के नीचे मूसा बोला और मेंढक आ गए, कुटकियां आ गईं, तो आप क्यों परेशान होते हैं मेरे भाई,
यीशु मसीह के लहू के नीचे जो गुनाहों को ढांपता नहीं, गुनाहों को मिटा देता है, बोला जाए और गिलहरियां सिरजी जाए। हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं, हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं, आपका नाम मुबारक हो। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, सब कुछ आपके लिए संभव है। हम आपकी प्रजा हैं, हम आपकी भेड़े हैं, हम आपकी पत्नी हैं, और एक दूसरे रिश्ते में हम आपके बेटे बेटियां हैं। आप ही के सामने झुकते हैं, धन्यवाद करते हैं, अब्बा पिता कहते हैं। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो, सर्वदा होती रहे, सर्वदा होती रहे। सारे आदर महिमा धन भक्ति शक्ति के योग्य वध किया हुआ मेमना हमारे प्रभु यीशु मसीह आप हैं। आपका नाम मुबारक हो, आपको शत शत प्रणाम। आपके सामने हमारा सिर झुकता है। आए शिरोमणि राजा, आए पराक्रमी राजाओं के राजा, जिसके सामने पूरा स्वर्ग झुकता है, पूरा तो लोक झुकता है, जिस नाम में दुष्ट आत्माएं भागती हैं, जिस नाम में सारा स्वर्ग और पृथ्वी का नीचे झुकता है, उस इकलौते नाम, मधुर नाम, प्रभु यीशु मसीह नाम में हम आज इस दुआ को मांगते हैं। आप प्रभु हमारे आसमानी बाप इस प्रार्थना और धन्यवाद की भेंट को सुने और कबूल करें। मांगते हैं लॉर्ड जो वचन प्रचारा गया हमारे जीवनों में अधिकाई से काम करे। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय हो, स्तुति तारीफ हो। हमारे होठों के द्वारा दिए गए फलों को आप कबूल करें। आप जो इज़राइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हैं, हमारे बीच में विराजें, जीवनों में विराजें। खुदावंद संसार का शैतान का प्रलोभन मर जाए और आप विराजमान हो हृदयों में। हे सर्वशक्तिमान राजा प्रभु यीशु मसीह आप विराजें। जब चिल्लाए बब्बर शेर की तरह, तब सात गर्जन के शब्द हुए, आज वो एको हमारे जीवनों से निकले। वो बब्बर शेर हमारे हृदय से दहाड़े और कोई भी दुश्मन की चाल जीवनों में रह ना पाए। आपका रहम मांगते हैं, धन्यवाद हो। मांगते हैं हमारे बीमारों को चंगाई दें। क्या हैं ये बीमारियां प्रभु? आपके सामने कुछ नहीं, बकवास, नेस्तो नाबूद करें। हमारे भाई बहनों को रिहाई दें, उठाएं, खड़ा करें अपने लिए प्रभु, गवाही पैदा करें। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो। आप हैं महान, आप हैं स्तुति के योग्य, आपकी जय हो, स्तुति और तारीफ हो, सर्वदा होती रहे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप ही का धन्यवाद देते हुए, इन शब्दों में होते हुए, इस दुआ को, इस धन्यवाद की भेंट को समाप्त करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन और आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात चाहिए आए, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। माए रोज की रोटी आप हमें बख्शते हैं, और जिस तरह अपने वालों को माफ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। आई लव यू, आई लव यू, बिकॉज ही फर्स्ट लव मी on Calvary Street। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभा यहीं समाप्त होती है। आमीन। शाम की सभा 4 बजे, सप्ताह के प्रोग्राम मंगलवार शाम 7:30 बजे मीटिंग होगी, थर्सडे की 7 बजे ब्रदर पीटर के ग्रुप की बारी है, और अगले संडे की मीटिंग जैसा आप अनाउंसमेंट में सुन चुके हैं। गॉड ब्लेस यू। एक छोटी सी बात है,
इसी अनुग्रह के सिलसिले में खुदा ने मेरे जीवन, मेरे परिवार में एक अनुग्रह का बड़ा काम किया इस हफ्ते, और खुदा ने मेरे बेटे तिमोथी को बहुत अच्छे नंबरों से इस बोर्ड एग्जाम में पास किया। और आज मैं मिठाई लाया हूं खुदावन के रहम को सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी उपलब्धि को नहीं। ये हमारी कोई उपलब्धि नहीं, ये सिर्फ खुदा का रहम है। तो जब आप खाएंगे तो तारीफ करना प्रभु की। यह है प्रभु का रहम जो खुदा ने मेरे जीवन पे किया। ऐसे लाखों करोड़ों हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ये तो प्रभु का रहम है। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे उस मिठाई के लिए भी। जब आप जाएं तो जरूर भाइयों से वो मिठाई लेते जाएं। प्रभु यीशु मसीह, इसी रहम के चैप्टर ने मेरे जीवन में काम किया, हमारे कई भाई बहनों के जीवन में भी किया, और खुदावन मैं आज उस रहम के लड्डू बांटना चाहता हूं जो आपने मेरे और मेरे बेटे के जीवन में किया। खुदावन, गुजरे दिनों में जब बोर्ड की परीक्षाएं हुई, बड़े अच्छे नंबरों से आपने उसे क्लियर किया। खुदा, हम जानते हैं कि हम उसे डिजर्व नहीं करते, लिए आपका रहम है, और इस रहम के लिए आप ही को धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और आज हम उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस मिठाई के द्वारा। आप इसे कबूल करें, और ये भी खुदावन एक भेंट आप ही के लिए और है, ताकि आपका नाम जलाल पाए। दुआ से पाक साफ करें, फायदे से मालमाल करें, नुकसान से बचाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। यस, अच्छा आप लोग यहीं खड़े रहे, अभी एक मिनट, भाई कह रहे हैं यहीं खड़े रहे, वेट करें वहीं पे, शायद वो ला रहे हैं, वो आपको बांटेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।